चैप्टर थोड़ा लेंदी है, क्या क्या टाइप का प्रॉब्लम्स है, यू कैन से कवरेज, मतलब चैप्टर में कितना टाइप का प्रॉब्लम्स है जो हम लोग को सॉल्व करना है, एक बार खाली वो लिख रहे हैं, कवरेज ऑफ द चैप्टर। कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस, दिस विल टेक 3 क्लासेस। बेसिकली अगर सीए इंटर में ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके लिए रिवीजन है। फर्स्ट 3 क्लासेस में अपने रिवाइज करेंगे कौन कौन सा वेरिएंस निकालते हैं, देन सेकंड रिकंसिलिएशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। दिस विल टेक 2 क्लासेस, बट जब वेरियंस समझेंगे तो ही रिकंसिलिएशन हो पाएगा, ये तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये पूरा अंडरस्टैंडिंग 100% होगा तब यहाँ जा पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब इंटरवल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, एक क्लास, वन क्लास, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब कुछ गुड्स फिनिश गुड्स है, कुछ WIP है, तो WIP को कंप्लीट टर्म में पकड़ के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बेसिस पे वेरिएंस कैलकुलेशन करना होगा। मतलब बेसिक रहेगा, यही कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ही रहेगा, लेकिन आउटपुट दिया नहीं रहेगा, आउटपुट इक्विवेलेंट टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटर का प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होगा। कोई भी समय ये नहीं सोचना है कि अगर इंटर में ठीक से नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब बताने वाले हैं तो अपने कोई मतलब नहीं, अपने पढ़े नहीं पढ़े थे, वैसे भी क्वालिफाइड है इंटर तो मतलब नहीं, भूल गए भूल गए। पॉइंट नंबर 4, अब कौन सा सीए पढ़ने से सारा याद रहता है यार। तो पॉइंट नंबर 4, सिंगल पार्शियल प्लान, सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान, दिस विल टेक 1 क्लास। सिंगल पार्शियल प्लान मतलब इंटर में एक टॉपिक था कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, जर्नल एंट्रीज होता था, तो वो जर्नल एंट्रीज विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सिंगल प्लान मतलब नॉन इंटीग्रेटेड, सॉरी इंटीग्रेटेड, और पार्शियल प्लान मतलब नॉन इंटीग्रेटेड। अपने इंटीग्रेटेड मतलब बात करते थे कॉस्ट और अकाउंट से एक साथ, दोनों पर्पस फुलफिल हो जाएगा, तो सिंगल मतलब वही हुआ, और पार्शियल मतलब दोनों अलग अलग, अकाउंटिंग एंट्रीज अलग और कॉस्ट का एंट्रीज अलग। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ इंटर का भी यूज़ होए गया जो PCC में पढ़े थे। ठीक है यार, IPCC CA इंटर अब नाम कर दिए, जो बोल लो यार। फिर है ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंस। ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंस, अगेन इट विल टेक 1 क्लास। ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंस का मतलब है जो स्टैंडर्ड अपने सेट किए थे दैट वाज रॉन्ग, स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड। सो व्हेन स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड, कि अगर अपने सोचे मटेरियल 10 रुपये में खरीदना है, लेकिन जब एक्चुअली परचेज करने लगे तो देखा कि 10 रुपये में खरीदा नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में सप्लाई कम है, एडवर्स फैक्टर्स है, सो वी विल नॉट बी एबल टू परचेज मटेरियल एट 10, वी हैव टू परचेज एट 12, 13, 15। तो वेरियंस निकालेंगे जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है उसको कंपेयर करके। ऑपरेशनल और प्लानिंग मीन्स योर स्टैंडर्ड इज गेटिंग रिवाइज्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू योर इनिशियल इनएक्यूरेसीज, तो आप वेरिएंस को रिवाइज करके फिर से नया वेरिएंस निकालोगे।
अभी हम कुछ बोल रहे नहीं, हम तो ऐसे ही खाली लिख रहे हैं तो बोलने का दो लाइन मन कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, हम कुछ बात नहीं कर रहे, चैप्टर अभी समझे भी नहीं है, खाली बस एक बार चैप्टर के अंदर क्या क्या एरिया है वो लिख रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए समझना। पॉइंट नंबर 6, बजट रेशियोज। अगेन इट विल टेक वन क्लास। बजट रेशियोज ऐसे बजटिंग चैप्टर में स्टडी मैट में लिखा हुआ है, बट अगर उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कोरिलेट करके समझेंगे जल्दी हो जाता है। तो इसके प्रिंसिपली अकॉर्डिंग टू सिलेबस फ्रॉम बजटिंग चैप्टर, बट हम लोग यहां पढ़ेंगे बजट रेशियोज। ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ प्रोडक्टिविटी एंड efficiency variances, growth productivity and efficiency variances, ये पॉइंट नंबर 1 जो कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस है वही है, बस खाली वेरियंस को टोटल जितना भी वेरियंस निकालेंगे 10, 15, 20 सबको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, ग्रोथ अलग, प्रोडक्टिविटी अलग, प्राइस अलग, अलग अलग तीन पोर्शंस में उनको बांटना है। मतलब नो न्यू कैलकुलेशंस, जो ऊपर पढ़ेंगे वही है, खाली सम का आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। सिंस दे आर आस्किंग इन दिस मैनर तो हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उसी तरह लिखें। इसमें बीच में ही हो जाएगा, इसके लिए अलग से क्लास कोई नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोग जब फर्स्ट वाला पोर्शन कंप्यूटेशन ऑफ वेरियंस करेंगे इसी में, जब फिक्स्ड ओवरहेड में जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन भी समझेंगे। दिस विल टेक टू क्लासेस बीच में अलग से, जो मार्जिनल चैप्टर से 2-3 प्रॉब्लम बाकी है जो होमवर्क वगैरह भी नहीं दिए, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यही समझेंगे, फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में घुसेंगे। तो इसलिए वो दो क्लास वहाँ अलग से चाहिए। सो मिला मिलू के 10-12 क्लास है कंप्लीट करने। जब आगे बढ़ते रहेंगे 10-12 क्लास पूरा महीना बीत जाएगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा कहाँ से किए, तो इससे को रिलेट रखेंगे कि पहला क्लास पे लिख चुके हैं हम, वैसे बोलते भी रहेगा कि ये फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया, अब ये सेकंड पोर्शन आ रहा है, अब थर्ड आ रहा है। बिकॉज अगर नहीं समझ रहे ऐसे लेगा करना क्या है सारा, फिर पता नहीं चलता है कि कौन से सब में क्या प्रोसीड करना है। अब सिंस इतना पोर्शंस है तो एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, हर बार एक सम आता ही है, 15-16 मार्क्स का एक प्रॉब्लम जरूर रहते हैं, लेकिन ऐसा भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें 2-2, 3-3 प्रॉब्लम है, और ऐसा भी एग्ज़ाम हुआ एक भी नहीं है। बिकॉज इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई गाइडलाइंस तो है नहीं कि हम इस चैप्टर से इतना मार्क्स का देंगे। बहुत सारा कोर्सेज में ऐसा होता है कि आप इस चैप्टर से इतना नंबर का ही दोगे, लेकिन अपने सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है, नो गारंटी। मतलब अगर पास्ट एक्सपीरियंस जनरली ले कि एक अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई सोचेगा QT या OR 30 नंबर का आएगा और थ्योरी 30 नंबर का आएगा, तो 76 तो हो गया, बोलेगा मार्जिनल ट्रांसफर प्राइसिंग ये सब क्यों पढ़े, ऐसे ही कर लेंगे, मन में ऐसा लगेगा, क्योंकि 30 मार्क्स का QT OR आता है और 30 मार्क्स का अगर थ्योरी है तो 16 नंबर का अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिए तो बैलेंस तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर इससे एक भी नंबर नहीं आया तो कोई गारंटी थोड़ी ना, हो सकता है कुछ भी मार्क्स वो लोग इनसे दिया ही नहीं, सारा मार्जिनल और सारा ट्रांसफर प्राइसिंग दे दिया, तो कोई चैलेंज तो नहीं कर सकते है ना। इसलिए वी हैव टू स्टडी फुल सिलेबस विथ फोकस। अपने को पता नहीं है कौन से सिलेबस माने कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिलेट करके मन में सोच लेते हैं, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि जैसा पास्ट में पेपर्स आया था वैसा ही आएगा। वैसे इस चैप्टर से लास्ट 3-4 टर्म से बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, यू कैन से इंटर टाइप, फाइनल टाइप क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, लास्ट 3-4 बार हो गए एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स, जस्ट कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस। बट अगर 3-4 बार के पहले जाएंगे तो इन सब कैटेगरी से भी प्रॉब्लम है, और किसके एग्जाम में क्या आएगा पता नहीं है। तो चैप्टर बहुत सिंपल है हमारे हिसाब से, तो जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे ईजी टॉपिक है। डोंट कंसिडर कि पास्ट में कोई जन बोला होगा कि गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम 1-to-1 डायरेक्ट कोरिलेशन है विथ योर नॉलेज, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हम लोग कोई चीज़ को बार बार लिखना चाहते हैं
तो हम लोग उस चीज़ को लिखने के लिए थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हैं कि एक ही चीज़ को मेरे को 20 बार लिखना है, 25 बार लिखना है, तो वी कैन यूज सम शॉर्ट फॉर्म. दो शॉर्ट फॉर्म को इफ़ यू से फॉर्मूला देन इट इज अदर थिंग. बट अगर एक ही बात को मेरे को भी आपको 100 बार लिखाना है, आप भी 100 बार लिखेंगे पूरा चैप्टर में, तो उसको शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर्मूला. अगर समझेंगे अपने आप वो चीज़ ध्यान रहेगा. और अभी बाबूराम है नहीं, आज मेरा ये बोलना है कि हम जो आज पढ़ाएगा वो डाउट बाबूराम से पूछिएगा. मतलब उस तरह के लेवल पे बात कर रहे हैं कि बाबूराम भी आपका आंसर दे पाएगा. तो इसीलिए संभव ही नहीं है कि हम लोग कोई क्वेरी रहे, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका एकदम बेसिक से मतलब है. नो कंसर्न कि ये चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कौन क्या बोलते हैं. एकदम बेसिक चैप्टर है, कॉन्सेंट्रेट करके अगर सुनेंगे, घर में जाके थोड़ा पढ़ के आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लगेगा कि सारा 100 नंबर इसी से आए, मन में ऐसा लगेगा. इसलिए ध्यान देंगे चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है. बोलेगा हमको फॉर्मूला नहीं आता, मतलब चैप्टर आता ही नहीं, फॉर्मूला हम पढ़ा ही नहीं रहे. कोई फॉर्मूला से मतलब नहीं है. और अगर पास्ट में कोई तरह से किया हुआ है, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं. हम जैसे करा रहे हैं वैसे आप समझिए. हो सकता है कि शुरू में आपको अपना चेंजेस करने में तकलीफ होगा, लेकिन इन सेकेंड क्लास ओनली यू विल फील कि ये बेटर है. हम जो करके रखा है वो गड़बड़ था, वैसे मेरे को नहीं समझना था, लिखना नहीं है. एक बार सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट अपने सोचें कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 यूनिट्स. ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोडक्ट है, 10,000 यूनिट बनाएगा. सपोज मारुति कंपनी है, गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे महीना में 10,000 कार प्रोड्यूस करेंगे. तो 10,000 कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसको सेल करना है. बना रहे क्यों है, टू सेल इट. सेल में से कॉस्ट लेस करेंगे, वी गेट प्रॉफिट. तो हम लोग अपना टारगेट सेट कर रहे हैं कि जो सेल करेंगे 10,000 यूनिट्स वो क्या दाम में सेल होगा, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस, कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है. बिकॉज नॉर्मली गाड़ी तो फाइनेंस में ही खरीदते हैं, अभी मार्केट में निगेटिव ग्रोथ चल रहा है. इन सब इंटरेस्ट फोर व्हीलर टू व्हीलर में मार्केट में निगेटिव ग्रोथ है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हायर, और यू कैन से लोगों के पास पैसा कम है तो गाड़ी कम सेल हो रहे हैं, ग्रोथ निगेटिव है. मतलब सपोज इफ लास्ट मंथ द सेल्स वॉज 10,000, द नेक्स्ट मंथ द सेल इज 9,000 कार, इन दैट वीट इज ग्रोइंग. द इंडस्ट्री इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, एडवर्स सिनेरियोज इन द मार्केट. तो अगर 10,000 गाड़ी अपने बेचेंगे, क्या दाम में बेचेंगे, ये फोरकास्ट किया गया. तो जो दाम में सेल करेंगे उसको 10,000 से मल्टीप्लाई किए, वी गेट सेल वैल्यू. जब ऑलरेडी एडवर्स सिनेरियो है तो कंपनी क्या सोचेगा कि सेल तो ऐसे ही कम हो रहे हैं, खर्चा तो कंट्रोल करें. जो भी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स होगा वो अपना कम से कम लगे. अपने तो गाड़ी बहुत साल से बना रहे हैं, 50 ईयर्स, 40-50 साल से. सो आवर कॉस्ट शुड रिड्यूस. तो अपने कॉस्ट का टारगेट किए कि 10,000 यूनिट्स मारुति कार बनाने में मटेरियल कॉस्ट क्या लगेगा, लेबर कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा, माइनस करके प्रॉफिट टारगेट किए कि 10,000 गाड़ी बेचकर सपोज वी आर गोइंग टू अर्न 5 करोड़ प्रॉफिट. एक्चुअल में महीना बीत गया, 10,000 गाड़ी अपने बना लिए, बिक भी गया, लेकिन जो सेल सोचे थे वो नहीं हुआ, जो एक्सपेंडिचर्स अपने फोरकास्ट किए थे वो नहीं हुआ. तो एक्चुअल में प्रॉफिट 5 करोड़ के बदले 4 करोड़. महीना में 5 करोड़ रुपये कमाने वाले थे 10,000 गाड़ी बेचकर, और अपने को एक्चुअल में सेल करके 4 करोड़ का फायदा हुआ. सो ऑब्वियसली अब ये प्रॉब्लम अराइज होता है कि फ़ायदा कम क्यों हुआ, जब अपने फोरकास्ट किए थे सब सिनेरियोज़ को लेकर. सिनेरियोज़ मतलब अपने ऐसा नहीं सोचे कि अगर कोई महीना में पास्ट में 20,000 गाड़ी बेचे थे तो अभी अपने 20,000 बेचेंगे. अपने ये कंसीडर किए कि मार्केट ख़राब है तो गाड़ी कम सेल होगा. अपने ये भी कंसीडर किए कि आज समझ लो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है या कोई चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ, इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत हैवी है, तो अपने वो भी कंसीडर किए कि इन करेंट सिनेरियो कॉस्ट एस्केलेट होगा. अपने तो सब कुछ सोच के ही 5 करोड़ प्रॉफिट डिटरमाइन करने का सोचे थे, 5 करोड़ कमाने का सोचे थे, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट अगर 4 करोड़ हुआ तो कहाँ गलती हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ. वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके अगेंस्ट रेमेडियल एक्शंस लेना है कि जहाँ कहीं भी अपने गड़बड़ी कर रहे हैं, जहाँ पर कहीं भी अपना परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो क्यों नहीं है, जिससे कि नेक्स्ट बार जब अपने काम करें अपने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएं. उसके लिए कौन सा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, अ
अलग अलग मैनेजर्स है, परचेज मैनेजर है जिसका काम है मटेरियल परचेज करना, तो क्या लॉस हुआ है मटेरियल बेसी दाम में खरीदने के कारण? प्रोडक्शन मैनेजर है जिसको मटेरियल कंज्यूम करने के लिए बोला गया है, तो क्या मटेरियल बेसी कंज्यूम हुआ है, वेस्टेज बेसी हुआ है, इसके कारण लॉस हुआ है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर से लेबर को बेसी पेमेंट देना पड़ा, लेबर प्रॉब्लम्स बहुत सारे इंडस्ट्री में हो रहे बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड द लेबरर्स आर गिविंग प्रॉब्लम टू दीज इंडस्ट्रीज। मारुति में भी स्ट्राइक हुआ था, देन बजाज इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक हुआ, तो इसलिए ये सब इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी फेसिंग प्रॉब्लम्स विद देयर लेबरर्स। तो कहां प्रॉब्लम है? मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दो वर्ड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक चीज हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने का टेक्निक है। इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशन विच वी विल प्रोवाइड टू आवर मैनेजर्स, वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर मैनेजर्स। मतलब स्टैंडर्ड के अंदर दो बात है। स्टैंडर्ड मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, जो आपका पास्ट का नॉलेज है उसके बेसिस पे, प्लस आने वाले समय में जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कॉस्ट लगना चाहिए, क्या सेल होना चाहिए, उसको अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड डज नॉट मीन्स ओनली रिलेशन विथ पास्ट। मान लो मारुति कंपनी में जो मशीन्स वगैरह यूज कर रहे हैं कार बनाने के लिए बहुत पुराना हो चला है, ऑलरेडी वही मशीन 10-15 साल से यूज कर रहे हैं, तो जब मशीन पुराना हो जाता है देन ऑब्वियसली उसमें गुड्स बनाने का खर्चा बढ़ जाते हैं, इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, कोई पार्ट्स वगैरह खराब होते रहते हैं, खर्चा बेसी लगता है, मटेरियल का कंजम्पशन भी बेसी होता है। तो मटेरियल कंजम्पशन अगर इस हिसाब से लगेगा तो अगर अपने सोचेंगे 10 साल पहले मटेरियल इतना लगता था तो उस समय तो मशीन नया था ना, अब अगर मशीन पुराना हो चला है और अपने नया मशीन नहीं खरीदने वाले बिकॉज ऑलरेडी मार्केट खराब है, इतना फंड्स नहीं है, अपने उसी मशीन को यूज़ करने वाले हैं, तो अपने केवल पास्ट में जो मटेरियल लगा था वही मटेरियल फ्यूचर में लगे कैसे सोच सकते हैं? अगर लेबरर्स को पेमेंट पहले करते थे, अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, लेबरर्स आर डिमांडिंग मोर, देन ऑब्वियसली वी हैव टू कंसीडर फ्यूचर सिनेरियोज ऑल्सो। यानी कि स्टैंडर्ड केवल ये नहीं हुआ कि पास्ट को देखकर फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर का गतिविधि को भी देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं, इसको भी अपने एनालाइज करना चाहते हैं। ये तो मारुति कंपनी का काम बात बोल रहे हैं। समझ लो हम एक नया इंडस्ट्री खोल रहे हैं, प्रकाश सराफ गाड़ी बनाएंगे, खोल रहा नहीं हम, ठीक है, कार बनाएंगे, तो हम तो कभी बनाया ही नहीं है, तो मेरे लिए बेस क्या होगा? हम भी तो ये सोचेगा ना कि कार बनाने में खर्चा क्या होना चाहिए, तो वेस्ट तो वही होएगा जो ये सब इंडस्ट्रीज है, मारुति है, टाटा मोटर्स है, जो भी है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है कंपिटिटर्स उन्हीं को देखेंगे। तो मान लो हम सोचा कि गाड़ी बनाने में मटेरियल 1,00,000 रुपया का लगना चाहिए, क्यों? इन लोग का लगता है, हम स्टाफ रखा, वो स्टाफ 2,00,000 रुपया मटेरियल का लगा दिया, तो हम उसको बोलेगा भाई ये लोग सब 1,00,000 रुपया लगाते हैं, आपने 2,00,000 रुपया खर्चा क्यों किया, कैसे हम लोग जिएंगे? ऐसे ही मार्केट खराब है और वो लोग 1,00,000 रुपया मटेरियल खर्चा कर रहे हैं, आप कार बनाने में 2,00,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, क्या कारण? तो बोले कि उनको रॉ मटेरियल 50 साल से मिल रहे हैं, रेगुलर सप्लायर है, अच्छे सप्लायर, उनको पता है कि इनसे खरीदना है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनके पास नॉलेज है, पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे पास कहाँ है? तो आप अगर ऐसे मेरे को, माने अगर हम अपना मैनेजर को बोलेगा आपने 1,00,000 रुपया नष्ट कर दिया, तो वो तो सुनेगा नहीं ना, बिकॉज एक्सपीरियंस भी कोई बात होता है। तो चलो उसका बात सुनकर हम लोग इसको कर दिए 1,40,000, कि हम बोला कि भाई 1,00,000 तो नहीं लगेगा, 1,40,000 बोल लो स्टैंडर्ड कुछ भी, लेकिन 2,00,000 रुपया तो नहीं लगना चाहिए ना। यानी कि स्टैंडर्ड ये हुआ, ये नहीं, ये तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का था, मेरे लिए संभव नहीं था अचीव करना बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज नील। तो हमारे लिए तो जो संभव हम उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे ना। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग किस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, क्या प्लांट एंड मशीनरी अपने पास है, अपना क्या एक्सपीरियंस है, कंपिटिटर को खाली नहीं देखना है, पास्ट केवल नहीं देखना है, पास्ट मीन्स कंपिटिटर, अगर आप नया काम कर रहे हैं तो पास्ट मीन्स कंपिटिटर्स, और अगर आप पुराना काम ऑलरेडी जो रनिंग था वो कर रहे हैं तो आपके लिए पास्ट खुद का ही पास्ट है। लेकिन उसके बावजूद वी हैव टू कंसिडर फ्यूचर सिनेरियोस, कि फ्यूचर में जो जो होने वाला है, जिस कंडीशन में काम करने वाले हैं उसको बेस करके स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेंगे।
और फिर वो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, एक एक कंपोनेंट को, मटेरियल को, लेबर को, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स, तो अपने को इन टोटैलिटी में पता चलेगा कि प्रॉफिट 5 करोड़ के बदले 4 करोड़ क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस व्हिच हैज टेकन द प्रॉफिट टू 5 to 4 करोड़। ऐसा नहीं कि सारा खराब ही हुआ होगा, हो सकता है 10 चीज देखने गए 8 खराब हुआ, 2 बढ़िया भी हुआ होगा। यानी कि जो जगह अपने प्रॉब्लम है, जो जगह अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वहां अपने को रेमेडियल एक्शंस लेना है, वहां स्थिति को इम्प्रूव करना है, और जहां अपने ऑलरेडी बेहतर हैं वहां पर क्या करना चाहते हैं, जिसके कारण बेहतर हुआ है उसको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, जिससे कि जो मैनेजर्स लोग खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको भी मन में लगे कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे चल के मेरे को भी क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। मतलब वी हैव टू रिवॉर्ड बेटर परफॉर्मेंस थ्रू बोनस एंड इंसेंटिव्स, एंड वी हैव टू पेनलाइज फॉर एडवर्स परफॉर्मेंस द रेस्पेक्टिव मैनेजर्स, कि जिस मैनेजर के कारण नुकसान हुआ है अपने उसका सैलरी से पैसा काटें, बिकॉज तब तो अगला सुधरेगा ना। तो जहां पर परफॉर्मेंस खराब है वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने, जहां परफॉर्मेंस ऑलरेडी बेहतर है वहां पर इंसेंटिव बोनस ये सब अनाउंस करने, जिससे आगे चल के वेरियंस कम से कम हो, फेवरेबल हो, अच्छा हो, जो टारगेट रखे वो अचीव कर पाए। और हर ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं, दे सेट द स्टैंडर्ड्स एंड देन दे कंपेयर विद द एक्चुअल्स। जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेरियंस। एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज टर्म्ड एज वेरियंस। वेरियंस मे बी एडवर्स मे बी फेवरेबल, जैसे अगर 1,40,000 के बदले 2,00,000 खर्चा हुआ है, सो वी से वेरियंस इज एडवर्स। एडवर्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेबिट वेरियंस फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो इसलिए अगर एडवर्स वेरियंस को डेबिट लिखा जा रहा है वो भी एक ही बात है। तो अगर 1,40,000 के बदले 2,00,000 एक्सपेंडिचर्स हुए, 60,000 कैन बी सेड एज एडवर्स वेरियंस और कैन बी सेड एज डेबिट वेरियंस। और अगर 1,40,000 खर्चा होना तो 1,20,000 खर्चा हुआ, तो 20,000 विल बी फेवरेबल वेरियंस और क्रेडिट वेरियंस। बट एक्सपेंसेस के केस में खर्चा अगर बेसी लगा एडवर्स, लेकिन इन केस ऑफ सेल्स अगर एक्चुअल बेसी है तो अच्छा है। अपने को 5 करोड़ का सेल करना था, अपने ने 6 करोड़ का सेल किया, अच्छा ही तो किया है। यानी कि ऐसा नहीं बोलेंगे एक्चुअल ज्यादा होने से ऑलवेज एडवर्स। इन केस ऑफ इनफ्लोस सेल्स एंड प्रॉफिट, आप देते नहीं आता है तो इनफ्लो जितना ज्यादा आएगा उतना बढ़िया। तो व्हेन सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर मोर, एक्चुअल इज मोर देन स्टैंडर्ड, इट इज फेवरेबल। एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन स्टैंडर्ड, इट इज एडवर्स। तो जो पहला पोर्शन है कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस, उसमें हर एक कंपोनेंट का वेरियंस निकालना है, कॉस्ट एलिमेंट का वेरियंस निकालना है। कॉस्ट एलिमेंट मींस मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड सेल्स। कॉस्ट एलिमेंट 4 हो गया और उसके बाद सेल्स वेरियंस। तो वो 5ों पहले कैलकुलेशन करना सीखना है, और वो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है वो, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार एक चीज को लिखेंगे, शॉर्टकट लिखा जा रहा है और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तो पहले चैप्टर ये बोल रहे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो पास्ट के बेसिस पे और फ्यूचर सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, उसको अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने में, कि जहां पर भी आपका खर्चा बेसी लग गया, क्यों लगा, रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। और जहां पर खर्चा कम लगा है, तो अगर कम लगा है, जिस मैनेजर के कारण कम लगा है, अपने उसको इंसेंटिव देना चाहते हैं, बोनस, जैसे कि आगे चल के अपना परफॉर्मेंस और बेहतर हो। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, और इसके थ्रू वी कैलकुलेट वेरियंसेस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। इफ द वेरियंस इज एडवर्स इट इज कॉल्ड डेबिट वेरियंस, इफ द वेरियंस इज फेवरेबल इट इज कॉल्ड क्रेडिट वेरियंस। तो सम्स में डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, सम्स में एडवर्स फेवरेबल भी लिख सकते हैं। नॉर्मली आंसर्स में एडवर्स फेवरेबल लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम में डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। यानी कि पहले बात हो रही है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या, क्या चाहते हैं अपने चैप्टर से, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया जाता है, उसको अचीव किए कि नहीं, एक्शन प्लान डिसाइड किया जाता है फॉर फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एक पैराग्राफ पहले लिखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक. In this technique, we compare standard cost with actual cost. In this technique, we compare standard cost and actual cost to determine the variance. Standard cost and actual cost to determine the variance. If the variances are unfavorable, it requires remedial action to be taken. It requires remedial action to be taken by top managers. It requires remedial action to be taken by top managers. And if the variances are favorable, then incentive or bonus scheme should be announced. Then incentive or bonus scheme should be announced. जहां खराब हुआ है वहां पर अपने को एक्शन लेना है कि आगे खराब ना हो, और जहां अच्छा हुआ है वहां और अच्छा हो, एटलीस्ट वैसा ही अच्छा बाद में फिर तो हो. तो अगर बोनस इंसेंटिव अनाउंस करेंगे वो वापिस होगा, और जहां खराब हुआ वहां एक्शन नहीं लेंगे तो वैसा इंप्रूवमेंट कैसे होगा. इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक. सपोज दिस इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स the cost. Standard cost means the cost that should be achieved. Standard cost means the cost that should be achieved in those working condition which are provided to the managers. So it consider so it considers past experience of the organization. It considers past experience of the organization or of the competitors. Past experience of the organization or of the competitors. Competitors इसलिए अगर कोई नया चीज बना रहे हैं तो हमारा तो कोई past knowledge नहीं है. Competitor जो achieve किया था हमको वो achieve करना है, और अगर अपना already past history है तो अपने को ही बेस कर रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी फ्यूचर में वही थोड़ी ना होगा जो पास्ट में हुआ था. फ्यूचर में क्या सिनेरियोस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है. अपने क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. इट कंसीडर्स पास्ट एक्सपीरियंस और कंपिटिटर्स परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर फैक्टर्स which will be applicable in the market
विच विल बी एप्लीकेबल इन द मार्केट, विच विल बी एप्लीकेबल इन द मार्केट एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच विल बी एप्लीकेबल इन द मार्केट एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन द मार्केट बोलने का मतलब, अभी मैंने बोला कि मार्केट में फोर व्हीलर इंडस्ट्री थोड़ा डाउन चल रहा है, तो अपने ऐसे भी गाड़ी वगैरह में सेल प्राइस बढ़ाएंगे और नहीं बिकेगा. कंपनी सब डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली अगर मार्केट खराब है तो सेल प्राइस का बढ़िया प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, खराब ही प्रोजेक्शन होगा. अभी मैंने बोला कि सपोज हम लोग का मशीन्स बहुत पुराना हो चला है, तो अगर पहले जो खर्चा लगता था अब तो बेसी लगेगा, वेस्टेज बेसी होगा मटेरियल में. तो इसलिए अपने इंटरनल अपना जो मैनेजर्स को कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केट में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उन सबको देखकर क्या स्टैंडर्ड संभव हो सकता है वो अपने सेट कर रहे हैं. यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में मैनेजर्स बोले कि ये अचीवेबल नहीं था, बिकॉज अपने हर एक फैक्टर्स को कंसीडर करके उसके साथ बातचीत करके स्टैंडर्ड सेट करते हैं. सो द मैनेजर्स हैज टू अचीव दैट स्टैंडर्ड व्हेन वी आर सेटिंग टारगेट, नॉट दैट इट इज सेट इन आइसोलेशन. द कंसर्न मैनेजर इज कॉल्ड, उसके साथ बातचीत करके अपने डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में आने वाला पीरियड में उसको क्या अचीव करना है. तो अगर अचीवमेंट नहीं होता है तो क्वेश्चन तो उससे पूछा जाएगा ना कि आपके साथ बैठ के टारगेट सेट किया गया था, आपने क्यों नहीं अचीव किया, क्या प्रॉब्लम हुई. तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको भी पता चले, बिकॉज उसको भी हो सकता है नहीं मालूम हो वाई द परफॉर्मेंस इज एडवर्स. सो वी गेट टू नो हिम कि भाई आपका प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप इसको इम्प्रूव करेंगे ठीक हो जाएगा. तो इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स रेमेडियल एक्शन लेना है. क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में वेरिएंस निकाल के खत्म हो जाता है आंसर. समझ लो मटेरियल का वेरिएंस निकाले, 2 लाख रुपए बेसी खर्चा हुआ, 2 लाख एडवर्स, अपने क्वेश्चन में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन डिस्कशन तो करें कि ये 2 लाख रुपया खराब हुआ तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका सैलरी से काटेंगे, अगला सुधर जाएगा बाद में, पूरा नहीं काटेंगे 50% काटेंगे. कि सबको दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना कि आपका वेरियंस होगा, आप ही समझेंगे इसको. बिकॉज when the standard is set, we have discussed with you all the things. So then, when it adverse variance will arise, you will be purely responsible. Unless and until you will have logical explanation. अगर आपके पास कोई logical explanation हुआ ठीक है, नहीं तो पूरा चीज के लिए आप responsible माने जाएंगे. तो standard cost determine किया गया past और future scenarios को ध्यान में रखते हुए, और वो standard costing technique में control cost करने में काम आ रहा है, वेरियंस निकालने में काम आ रहा है, रेमेडियल एक्शन लेने में काम आ रहा है, और फ्यूचर और अगर कहीं पर बेहतर हुआ है तो बोनस और इंसेंटिव स्कीम लाने में काम आ रहा है. अब हम लोग बोले कि प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट जितना होना चाहिए अगर कम या बेसी हुआ है, इसके भी कारण हुआ है, इसके भी कारण हुआ है. कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मेटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड. और सेल्स में आएगा एक्चुअली क्वांटिटी हम नहीं बोलना चाह रहे, फिर तो मटेरियल क्वांटिटी ये सब भी होएगा ना, एक्चुअली बाद में डील करेंगे, खाली ऐसे ही लिख रहे हैं सेल्स टर्नओवर या प्रॉफिट. प्रॉफिट ऊपर भी है, सेल्स का थोड़ा हिस्ट्री है, स्टोरी है. बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि चैप्टर में कैलकुलेशन और वेरिएंस का पार्ट्स क्या क्या है. तो कॉस्ट के अंदर ये 4 पोर्शन है जो वेरिएंसेस कैलकुलेशन है, और सेल्स के अंदर सेल्स होने के बावजूद भी 2 तरह से वेरिएंस निकाला जाता है, एक टर्नओवर बेसिस, एक प्रॉफिट या मार्जिन बेसिस. क्या अलग अलग अंतर है बाद में बात करेंगे, पहले इतना यहां तो करते हैं. एक बार इसको लिख लीजिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट हेडिंग देंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट. कॉस्ट के अंदर 4 पोर्शन, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. और सेल्स के अंदर सेल्स टर्नओवर और या सेल्स प्रॉफिट, माने प्रॉफिट मार्जिन. इसको समझ नहीं रहे बाद में बात करेंगे, पहले उधर बात करते हैं फिर इसमें. सेल्स टर्नओवर या प्रॉफिट या मार्जिन बेसिस,
दो तरह से सेल्स वेरियंस निकाला जाता है, इसने दोनों अलग अलग लिखे हैं। क्यों ऐसे अलग अलग है, वो जब कॉस्ट वाइज डील करेंगे तब बात कर पाएंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग केवल इसका बात कर रहे हैं, केवल मेटेरियल कॉस्ट, केवल मेटेरियल कॉस्ट का बात कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाते अच्छे से तो ये सब अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा फिक्स्ड ओवरहेड में कॉन्सेप्ट अलग आएगा, नहीं तो ये जब जितना देर लगेगा 10 मिनट में ये, फिर 10 मिनट में ये, मतलब सारा टाइम मेटेरियल में लगने वाला है। जब ये समझेंगे अपने आप ये दोनों हो चुका होगा। फिक्स्ड ओवरहेड में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग आएगा और सेल्स भी इनके जैसे ही है। तो इसलिए अगर चैप्टर बोले दो पार्ट्स में कैलकुलेशन है, एक मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड एंड सेल्स, और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग तरह से कैलकुलेशन होता है। क्यों होता है, अंडरस्टैंडिंग 100% समझ में आएगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं मटेरियल का, नीचे एक बार लिख देते हैं अलग से। इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन द वेरियंस विल बी, देन द वेरियंस विल बी एडवर्स और डेबिट, देन द वेरियंस विल बी एडवर्स और डेबिट। If actual cost is more than standard cost, then the variance will be adverse or debit. And if actual cost is less than standard cost, and if actual cost is less than standard cost, if actual cost is less than standard cost, the variance will be favorable or credit. If actual cost is less than standard cost, the variance will be favorable or credit. The variance will be favorable or credit. लिखना नहीं है एक बार। Cost के अंदर material का बात कर रहे हैं, material cost. Material में we are talking raw material. वी आर टॉकिंग डायरेक्ट मटेरियल, नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है वो ओवरहेड होता है। अपने डायरेक्ट मटेरियल का बात कर रहे हैं जो प्राइम कॉस्ट है, बिकॉज मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग से है। ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आएगा। अपने बात कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल का वेरियंस। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कितना यूनिट्स रॉ मटेरियल लगेगा और क्या दाम में लगेगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल वी रिक्वायर एंड व्हाट इज द रेट एट विच वी विल बी एबल टू प्रोक्योर इट। तो सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको बनाने में रॉ मटेरियल जो अपने खरीदेंगे उसका दाम, उसका रेट, उसका कॉस्ट माने लगेगा वो 4000 kg। कौन सा प्रोडक्ट अगर बात नहीं कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल लगेगा वो 4000 kg लगेगा और दाम होगा 5 rupees per kg। जो प्रोडक्ट अपने बनाएंगे वो प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल 4000 kg लगेगा और 1 kg का दाम 5 रुपये लगेगा। ये 4000 kg लगेगा प्रिंसिपली प्रोडक्शन मैनेजर बताया होगा, बिकॉज उसी का काम है। और 5 रुपये per kg लगेगा ये परचेज मैनेजर बताया होगा, बिकॉज उसका काम है मटेरियल खरीदना। तो ये 4000 kg प्रोडक्शन मैनेजर या तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस, प्लांट एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन को देखकर बोला होगा, और अगर पहली बार ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि इतना लग जाना चाहिए 4000 kg। दाम 5 रुपये per kg परचेज मैनेजर, सप्लायर्स वगैरह से बातचीत हुई होगी कि ये दाम में मटेरियल मिल जाएगा, मार्केट में डिमांड सप्लाई कंडीशन क्या है, कौन कौन सप्लायर है, उन सब बातों को ध्यान में रख के 5 रुपये per kg सेट किया गया। तो टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल का लग जाएगा 20,000 रुपया। मान लो एक्चुअल में रॉ मटेरियल कॉस्ट 22,000 लगा, एक्चुअल कॉस्ट 22,000 खर्चा हुआ, तो 2,000 रुपया का नुकसान हुआ। क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2,000 रुपया सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, डिपेंड करेगा। बात यह चल रही है कि 20,000 के अंदर तो 2,000 बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है,
लेकिन अगर हम बोलेगा 50 करोड़ का मटेरियल के बदले 50 करोड़ 2000 रुपया लगा, तो कोई मतलब है? निकालेंगे ही नहीं, किसी को बुलाएंगे भी नहीं, बिकॉज जब तक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं आएगा जिसके लिए कोई रेमेडियल एक्शन या बोनस इंसेंटिव अनाउंस करना है, तब तक अपने एक्शन क्या ले। इसलिए बहुत जरूरी है कि वेरियंस शुड बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ टोटल लॉस और गेन। मेरा बोलने का मतलब, मान लो मेटेरियल 5 रुपया के बदले 5.5 रुपया में खरीदे, 5 रुपया के बदले 5.5 रुपया पर केजी रॉ मेटेरियल का लगा, खराब हुआ है, लेकिन अगर उसके कारण 2000 रुपया का ही लॉस हुआ है, मान लो उसके कारण ही लॉस हुआ है, तो अगर लॉस बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, उसके बारे में विचार करने का कोई एक्शन वगैरह लेने का जरूरत नहीं। रेट का डिफरेंस हुआ, वेरियंस हुआ है, लेकिन रेट का डिफरेंस के कारण कितना रुपया का लॉस हुआ या कितना रुपया का फायदा हुआ, ये अगर नहीं कैलकुलेट करते हैं कोई फायदा नहीं, बिकॉज वेदर दैट इज जस्टिफाइड सिग्निफिकेंट, इतना अमाउंट है जिसके लिए एक्शन वगैरह कुछ लिया जाए, तो इसलिए खाली रेट का डिफरेंस इज नॉट जस्टिफिकेशन। अपने को टोटल वैल्यू निकालने, साथ में क्वांटिटी भी, मान लो 4000 के बदले 4500 कंज्यूम हुआ, तो उसके कारण भी वेरियंस हुआ कि 4000 के बदले 4500 लगा, यानी कि प्रिंसिपल एक वेरियंस क्यों हो रहा है, क्वांटिटी चेंज, रॉ मटेरियल कम बेसी लगाए, और दूसरा रेट चेंज, रेट कम बेसी लगा। अगर मटेरियल कॉस्ट 20000 के बदले 22000 रुपया लगा, तो रीजन दो ही हो सकते हैं, या तो जो रॉ मटेरियल अपने को गुड्स बनाने में कंज्यूम करना था अपने उससे बेसी कंज्यूम कर लिए, कम कंज्यूम किए, या रॉ मटेरियल का जो रेट अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे एक्चुअल रेट उससे अलग है। इसके अलावा वेरियंस होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी फॉर्मूला लिख ले, किसी भी तरह से लिख ले, ये दो ही वेरियंस हो सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ड्यू टू चेंज इन रेट। लेकिन ये टोटल वेरियंस अगर सिग्निफिकेंट है भी, तो पता तो ये लगाना है ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी कितना एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट कितना। टोटल लॉस 2000 का है, अगर सिग्निफिकेंट है तो वो 2000 में लॉस किस चीज के कारण है वो पता लगाना जरूरी है, बिकॉज अगर वो क्वांटिटी के कारण है तो बेचारा परचेज मैनेजर तो गलती नहीं की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, गड़बड़ इन्होंने की है, और अगर वो रेट के कारण है देन प्रोडक्शन मैनेजर है, गलती नहीं है। तो अगर सारा वेरियंस प्रॉफिट में डिफरेंस को अलग अलग क्वांटिफाई नहीं करेंगे, कौन सा मैनेजर का प्रॉब्लम है, तो फिर वेरियंस निकालने का मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट अगर कम हुआ बेसी हुआ, एक एक पर्सन एक एक मैनेजर को देखना होगा कि कौन से मैनेजर के कारण फायदा नुकसान हुआ है। तो मटेरियल के अंदर दो मैनेजर जनरली इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, परचेज मैनेजर ड्यू टू चेंज इन रेट। हमारा ये बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग परचेज मैनेजर को बोले कि भाई आपके कारण हमको नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, 5 रुपया में आपको रॉ मटेरियल खरीदने बताया गया था, आपने खरीदा क्या दाम में, 5.5 रुपया में, 5 रुपया में रॉ मटेरियल खरीदना था, खरीदा गया 5.5 पर केजी, नुकसान 50 पैसा हुआ है, लेकिन 50 पैसा अगर कैलकुलेट करके उसको बुलाएंगे, बोलेगा हम दे देते 50 पैसा। अगर अपने क्वांटिफाई इन वैल्यू टर्म नहीं करेंगे तो वेरियंस कैलकुलेशन का मतलब नहीं। वी आर सेइंग परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रेट, तो रेट का चेंज का डिफरेंस निकाल लिए, वेरियंस हो गया, लेकिन कितना रुपया का लॉस हुआ, वेदर वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इतना अमाउंट है कि नहीं जिसके लिए परचेज मैनेजर को बुलाया जाए, इसलिए इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा कि इतना लॉस हुआ 1 केजी पे, तो जितना भी केजी है उस पर कितना लॉस हुआ। अब केजी क्या ले, 4000 केजी ले कि 4500 केजी ले, सुनिए तो सरी, जब 4500 केजी लग गया तो परचेज मैनेजर बोला कि 500 केजी बेसी लगा है, किसके कारण, परचेज मैनेजर बोलेगा मेरे कारण, प्रोडक्शन परचेज मैनेजर बोलेगा कि 4000 केजी के बदले 4500 क्यों लगा है, प्रोडक्शन मैनेजर लगाया है, वो बेसी खरीदा हमको क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहला रहे, वो तो 4000 के बदले 40000 लगा देता, ये भी तो हो सकता है। तो परचेज मैनेजर आके बोल रहे हैं कि हमको 4000 केजी के लिए वेरियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हमको 4500 का नहीं लेना है, क्यों, बिकॉज 4500 खरीदा क्यों गया,
वो उढ़ेल उढ़ेल के लगाया है, वेस्टेज किया है वो। तो परचेज मैनेजर क्या उचित बोल रहे हैं? उचित बोल रहे हैं, समझ लीजिए। अगर वो उचित बोल रहे, बहुत जन को लग रहे, मैनेजमेंट को लगा हाँ ठीक ही तो बोल रहे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सच में वो उचित बोल रहे कि नहीं, इसके लिए किसको बुलाएं? इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ही बुलाया जाता है, उसी का एरिया है ये। तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बुलाए, वो अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मान लो 4,500 नहीं, ये 3,500 होता, तब क्या परचेज मैनेजर बोलता कि 4,000 के लिए वेरियंस निकालिए? बिकॉज वो बोलता यार ये खरीदा ही नहीं गया, इसका लॉस क्यों निकाल रहे हैं आप? जब 4,000 के बदले 3,500 का खरीदारी हुआ है, तो वेरियंस 4,000 पे क्यों निकाल रहे हैं? फिर 40,000 पे निकाल लीजिए, सारे ही बोल लीजिए हम ही लॉस किया है। जब 3,500 केजी खरीदा गया है, तो वेरियंस 3,500 केजी पे निकाले कि 4,000 पे निकाले? यानी कि चित और पट दोनों अपना बात कर रहे हैं। तो कि जब कम लगा तो भाई कम, बेसी लगा तो ये, ऐसा नहीं होता है। एक बात बोलना होगा, दूसरा लॉजिक। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये बोला भाई आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपको क्या जॉब दिया गया? खरीदने का, कैसे खरीदना है, खरीदते कैसे? अगर कोई सामान खरीदते हैं मार्केट में जाके, एक नॉर्मल इंसान का बात कर रहे हैं, दो दुकान में चार दुकान में जाके पूछते हैं कि नहीं, क्वालिटी देखते हैं कि नहीं, कोटेशन में अपनी चीज खरीदते हैं तो बहुत सोचते हैं। तो भाई तुमको तो खरीदने के लिए बोला गया है ना, हो सकता है कि 500 यूज नहीं हुआ, स्टॉक के लिए खरीदा गया है, तो क्या तुम्हारा वेरियंस नहीं निकालेंगे? यानी कि जो खरीदा गया है वो सारा का सारा ही खरीदना आप ही को था, इफिशियंटली पूरा नॉलेज के साथ, पूरा बुद्धि लगा के, कोटेशंस वगैरह मंगवा के, तो आपका वेरियंस 4,500 पे ही निकलेगा, आपका वेरियंस 4,000 केजी पे नहीं निकलेगा। हर तरह से मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसको लॉजिक दे रहा है, समझ में आ जाएगा। जब प्रॉस कॉन सारा बात डिस्कस करेंगे, देन इन दैट केस उसको समझ में आएगा परचेज मैनेजर को कि रेट का डिफरेंस है, लेकिन रेट का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, जिससे कि वेरियंस कितना रुपया का नुकसान या फायदा वो निकले, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज एक्चुअल क्वांटिटी होगा, ऑलवेज ऑलवेज इट विल बी, बिकॉज ऑल द मटेरियल्स आर टू बी परचेज्ड इन प्रॉपर प्रोसीज्योर। फॉर एग्जाम्पल, एक और खराब बात हम बोल रहे, समझ लो 4,500 में से 4,000 का वेरियंस उसके लिए निकालेंगे, तो 500 केजी मटेरियल ही इज परचेजिंग फ्रॉम समबडी जिससे उसको कमीशन मिल रहा है। बोला रेट 20 रुपया, आपको इसमें से 5 रुपया मिल जाएगा, तो 5 के बदले क्या लग गया? 20 रुपया, 15 रुपया पर केजी बेसी लग गया। क्यों लग गया? 5 रुपया बीच में कमीशन खा लिया। बोला आपसे लेते हैं, हम गवर्नमेंट कंपनी में होता है ना, तो वैसे वो ले लिया। हम लोग जाके ऑडिट क्या चीज़ करते नहीं करते हैं कि प्रॉपर परचेज प्रोसीजर फॉलो किया गया कि नहीं। तो अगर उसका वेरियंस 4,000 केजी के लिए निकालेंगे, हर समय 4,000 केजी के बाद वाला खरीदारी वो कैसे करेगा? अपना उल्लू सीधा करेगा, अपना रिलेटिव से खरीदेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा ना। तो उसको ये थोड़ी ना बोला गया है भाई 4,000 के बाद जो करना, सारा का सारा जो भी खरीदना ध्यान देकर खरीदना, इसलिए ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल क्वांटिटी परचेज्ड, वट एवर परचेज ही हैज टू परचेज इफिशियंटली। यानी कि क्वांटिटी से पहले तो मल्टीप्लाई क्यों करना है? खराब तो दिख ही रहा है कि 5 के बदले 5.5 लगा है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करने से इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है कि क्या इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि परचेज मैनेजर को बुलाएं, उससे डिस्कशन करें, बात करें कि भाई तुम खराब क्यों किए। इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से वी गेट प्राइस वेरियंस, मतलब मटेरियल कॉस्ट जो डिफरेंस हुआ है, जो वेरियंस हुआ है, उसमें प्राइस के कारण क्या नुकसान हुआ है, प्राइस के कारण क्या फायदा हुआ है, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब हर सम करने के टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ, आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है मत लिखिए, आप 5.5 माइनस 5 लिखिए ना, इनटू करिए। लेकिन खराब तो खराब ही बोलेंगे ना, ऐसे लिखने से अच्छा बोल दें क्या? पैसा तो 5 के बदले 5.5 ही लगा है, कोई बोलेगा हम ऐसे लिखेगा ही नहीं, हम ऐसे लिखेगा 5.5 × 4,500 और 5 × 4,500, ठीक है भाई ऐसे लिख ले। और कैसे लिखना है? कोई बोलेगा हम इसको M1 बोलते हैं, बोल ले भाई कोई बात नहीं है। जिस भी तरह से आप लैंग्वेज यूज करोगे,
चीज तो यही निकलेगा ना, एडवर्स है तो एडवर्स ही निकलेगा, यानी कि आप किसी भी तरह से पढ़े होंगे उसमें कुछ मतलब नहीं है। बात है कि अगर हम समझ गए हम किस भी तरह से लिखे, एग्जाम में थोड़ी ना बोल रहे आपको कैसे लिखना है, आपकी मर्जी है, आपको प्रेजेंटेशन करना है कि वेरियंस प्राइस के कारण कितना हुआ। लेकिन अगर हर सम में कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे फिर ऐसे वैसे, वो कोई सम नहीं होने वाला है, बिकॉज आदमी को मैकेनिकल बनना पड़ता है एग्जाम में कि हम ऐसे करेंगे जल्दी हो जाएगा, तो वो मैकेनिकलिटी हम लोग ऐसे फॉलो करने वाले हैं। इसमें क्या लॉजिक है, हम ऑलवेज पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल लिखते हैं, पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल, मेरे को ध्यान रखने की इच्छा नहीं है, पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करना है, और कहीं कहीं पर ब्रैकेट में अगर क्वांटिटी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई रेट से करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हम हरदम ऑलवेज पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल लिखेगा, आपको दूसरा लिखना है आप लिखिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिखेगा बिकॉज हमारा हैबिट हो गया पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल। तो मेरे हिसाब से हम जो लिखेगा अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है एडवर्स बन जाएगा, और अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम है फेवरेबल बन जाएगा। लेकिन जब हम सेल्स वगैरह का बात करेगा तो उल्टा हो जाएगा, उस समय हम उल्टा नहीं लिखेगा, लिखेगा ऐसे ही हम पहले स्टैंडर्ड बाद में एक्चुअल, लेकिन वो निगेटिव होने से अच्छा हो जाएगा। तो वो हम अपने मन में समझ लिए, अपने मन को समझा दिए कि मैं हर समय ऐसे लिखूंगा, और कॉस्ट के केस में पॉजिटिव आने से फेवरेबल होगा, और सेल्स और प्रॉफिट के केस में पॉजिटिव आने से एडवर्स होगा, यह अपने आप को समझा लिए। अब इस बात को ऐसे तो हम लोग 50 मिनिमम 50 सम तो करेंगे मिनिमम, यानी कि हाफ सेंचुरी मारेंगे, तो उतना बार हम ये बात बोलेगा उसके बाद भी उसको लिख के याद थोड़ी ना करेंगे, फिर क्या किए 50 सम, बार बार तो यही करेंगे ना। तो इसलिए इसको नोट्स में लिखने का जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल बात है जो हम लोग को हर दिन करना है कंटिन्यूअसली, लेकिन अपने ये फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से जाने वाले हैं। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस को रेट भी तो लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, आप कुछ भी लिखिए ना, स्टैंडर्ड एसआर लिखिए, पूरा लिखिए, एसपी लिखिए, इमटेरियल है ये सब बात, फालतू की बात करके कोई लाभ नहीं है, बस जैसे आपको अच्छा लगता बार बार वैसे ही लिखिए, जिससे आप जल्दी से सम कर पाए, एग्जाम में नंबर मिल जाए। समझने के साथ साथ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग हम तो ऑलवेज एसपी एपी लिखता है प्राइस, रेट विल बी यूज फॉर लेबरर, लेबर रेट, मटेरियल प्राइस। अब ये मटेरियल का प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस, ये क्या है, ये भी तो स्टैंडर्ड ही है कि एक यूनिट बनाने में 4000 माने 4000 केजी मटेरियल लगेगा 5 रुपए करके, इसको क्या बोलते हैं, है दोनों स्टैंडर्ड ही, लेकिन ये एक यूनिट का रेट है, प्राइस है, और ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो लैंग्वेज अगर टोटल को स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे थोड़ा अपने को भी समझ में आएगा, एग्जामिनर को भी सिंपल लगेगा, यानी कि टोटल वेरियंस क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ये टोटल वेरियंस हो गया। इस टोटल वेरियंस का दो पार्ट्स हो गया, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। अभी खाली प्राइस का बात की है कि प्राइस के कारण 5 रुपया 1 केजी का लगना था, 5.5 रुपया लगा, 50 पैसा बेसी लगा, कितना केजी पे, जितना खरीदा गया सब पे, चाहे वो यूज हुआ नहीं हुआ, चाहे वो कुछ भी हो, खरीदने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही का है ना, तो आपने जितना खरीदा सब पे आपने 50 पैसा लॉस कर दिया, तो टोटल में आपने कितना लॉस किया। अगर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है तब तो उसको बुला के एक्शन लेना है, अगर ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है कैलकुलेट करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत, इसलिए क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब क्वांटिटी के बारे में आते हैं, तो क्वांटिटी 4000 केजी लगना था और 4500 केजी लग गया, 4000 केजी लगना था, 4500 केजी लग गया, खराब हुआ, लेकिन इससे कितना रुपया का लॉस हुआ वो नहीं पता चल रहा है। और अगर मान लो क्वांटिटी 10 पैसा पर केजी है, माने रेट 10 पैसा पर केजी है, तो 50 रुपये के लिए क्या बुलाएं इसको, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट का लॉस या फायदा नहीं है क्या एक्शन उस पर लें। इसलिए अगर क्वांटिटी का डिफरेंस को रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर से कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन का मतलब तभी निकलता है जब वैल्यू टर्म में पता चले कितना रुपया का लॉस फायदा हो। तो अब रेट से मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी का डिफरेंस को रेट से मल्टीप्लाई करने से वी गेट वेरियंस का वैल्यू। रेट क्या ले, 5 की 5.5, 5 लेने का 2 कारण है, एक तो ये 4500 केजी पे 5 के बदले जो 50 पैसा बेसी लगा है
वो ऑलरेडी प्राइस वेरियंस में इनकॉर्पोरेट हो चुका। पूरा 500 केजी जो एक्स्ट्रा है ना, हम 3500 यहाँ चेंज किया था समझाने के लिए, जो 500 केजी एक्स्ट्रा उसके ऊपर 50 पैसा जो एक्स्ट्रा लगा वो ऑलरेडी अपने प्राइस वेरियंस में ले चुके हैं। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर 5 के बदले 50 पैसा बीसी लगाए तो अगर इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा यार 50 पैसा जो लॉस हुआ है हम किया है क्या? वो बोलेगा हमारा काम खरीदने का था क्या? हमारा काम तो यूज करने का था, मेरा काम तो खरीदने का नहीं था। तो अगर 50 पैसा जो बीसी लगा वो आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? हमको बोलिए हम ही को खरीदना है तो हमारे ऊपर ले लेते हम, लेकिन मेरा काम तो खरीदने का नहीं है ना, मेरा काम तो कंज्यूम करने का है। तो फिर तो वो बोलेगा रेट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? भाई तुमको बताने के लिए तुम कितना बर्बादी की है कि 500 केजी बेसी लगाया उससे क्या लॉस हो गया। मान लो एक ही केजी का दाम 100,000 रुपया था तो 500 × 100,000 देखो तुम 500,000 बर्बाद कर दिए, कुछ तो कांटे तुम्हारे सैलरी से। अगर उसको समझाएंगे नहीं ये बात तब वो आगे बढ़िया परफॉर्म कैसे करेगा? इसलिए रेट से मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाता है, वैल्यू निकालना जरूरी हो जाता है उसको भी समझाने के लिए। लेकिन रेट ऑलवेज क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट 5 रुपया। यानी कि प्राइस वेरियंस निकाल रहे हैं तो प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और अगर यूसेज क्वांटिटी वेरियंस निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यानी कि अगर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का बात करते हैं, इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, टोटल वेरियंस आया। लेकिन वो टोटल वेरियंस क्यों आया? ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू क्वांटिटी। तो इसको दो पार्ट्स में बांट दिए, ड्यू टू प्राइस वेरियंस, क्वांटिटी वेरियंस। क्वांटिटी को यूसेज वेरियंस बोलते हैं। प्राइस वेरियंस मींस, वेरियंस मींस डिफरेंस, डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस। क्वांटिटी वेरियंस मींस क्वांटिटी का डिफरेंस, डिफरेंस इन क्वांटिटी। डिफरेंस इन प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू, डिफरेंस इन क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू। तो डिफरेंस इन प्राइस को मल्टीप्लाई किए क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। बिकॉज जो भी खरीदा गया है सब इन्होंने ही खरीदा है, परचेज मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहां डिफरेंस इन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। अगर सिंबल्स में इनको यूज करें तो यह है एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू, और ये क्या है? एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी, और इन दोनों का समेशन करें तो ऊपर आ जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, हम ब्रेक कर रहे हैं, एसपी इंटू एक्यू माइनस एपी इंटू एक्यू प्लस एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एसपी। बिकॉज टोटल वेरियंस निकालना है, टोटल वेरियंस इन दोनों का समेशन है, तो इसके अंदर एसपी इंटू एक्यू एसपी इंटू एक्यू कैंसिल हो गया, नेट में क्या बचा? एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। मतलब जो एग्जांपल चल रहा है उसमें क्या हो गया? 4000 केजी लगना था 5 रुपया करके, लगा क्या? 4500 करके वेरियंस हो गया। ये टोटल वेरियंस को ही तो अपने अलग अलग पार्ट्स में बांटे हैं, तो अगर ये टोटल वेरियंस को अलग अलग ब्रेक नहीं करते, वेरियंस निकालने का इंपॉर्टेंस जीरो है। किसको दायित्व ठहरा है? बिकॉज यहां तो दोनों जन खराब किया है, ऐसा भी तो होता है एक अच्छा किया खराब किया है, तो जो अच्छा किया उसको भी बोलेंगे तुम पागल है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वेरियंस ब्रेक्स अगर अलग अलग नहीं निकालें कोई एडवांटेज नहीं उसका निकालने का, तो टोटल वेरियंस को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना जरूरी है कि वेरियंस अगर मटेरियल का हुआ है क्यों हुआ है? ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू क्वांटिटी। अब इसको हम लोग किसी भी तरह से लिखे, हम ऐसे लिखते हैं कि प्राइस का डिफरेंस इनटू क्वांटिटी एसपीएपी, क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू प्राइस। नाउ ध्यान देना, हम अभी बोला कि 4000 केजी लगना चाहिए 5 रुपया करके, लगा क्या? 4500 × 5.5 करके। क्या हम ये बोला कि ये कितना यूनिट्स बनाने का कॉस्ट है? हम नहीं बोला, सम्स में भी नहीं बोलेगा। कुछ मत सोचिए, सोचिए कि ये जितना का है ये भी उतना का ही। मतलब मान लीजिए 1 फिनिश गुड्स का है, मान लीजिए, तो ये भी क्या है?
वन फिनिश गुड्स का ही है. इफ आउटपुट डिटेल्स आर नॉट गिवन, वी आर एज्यूमिंग जितना का स्टैंडर्ड दिया हुआ है उतना का ही एक्चुअल है. मतलब हमको जो बनाना था उसका कॉस्ट ये, हमने वही बनाया लेकिन उसका कॉस्ट ये लगा. इसका इंपॉर्टेंस कहां आएगा, ध्यान देना. एक फिनिश गुड्स बनाने में मान लो रॉ मटेरियल 10 केजी लगेगा, ठीक है. पांच फिनिश गुड्स हम लोग बनाए लेकिन रॉ मटेरियल 10 केजी ही लगा. एक फिनिश गुड्स बनाने में 10 केजी लगेगा, पांच फिनिश गुड्स बनाए 10 केजी लगा, तो यूसेज वेरिएंस जीरो बोल ले. बिकॉज 10 केजी रॉ मटेरियल लगना था, 10 केजी लगा, तो यूसेज वेरिएंस जीरो बोल ले. क्या क्यों? बिकॉज ये एक का है और हम लोग पांच बनाए हैं, तो पांच के लिए क्या लगना चाहिए? 50. 50 के बदले 10 लगाए हैं. प्रोडक्शन मैनेजर महान आदमी है. 50 के बदले 10 केजी लगाए. जो काम 50 केजी का होना था वो काम वो 10 केजी में कर दिया. तो बोलने के लिए तो ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, तो नहीं तो स्टैंडर्ड है. लेकिन इसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. 50 केजी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. और इसको हम लोग एक बार नाम दे दिए, मान लो बजट. बजट मतलब बजटेड फॉर बजटेड प्रोडक्शन. तो अब वेरिएंस जो बनाने वाले थे उसके लिए थोड़ी ना निकाल रहे हैं, वेरिएंस तो निकाल रहे हैं जो हमने बनाया उसके लिए. यानी कि वेरिएंस कैलकुलेशन कब होगा? जब एक्चुअल हो जाएगा, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगा उसके बाद वेरिएंस निकलेगा. विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस वेरिएंस कैलकुलेशन नहीं होते. जो आपने एक्चुअल में गुड्स बनाया है उसके लिए क्या लगना चाहिए. अब ये मत कर देना कि एक का 10 लगना था, एक का क्या लगा? 2 लगा. बोलेगा 10 के बदले 2. रॉन्ग है, ध्यान देना मेरा बात. हम क्या बोल रहे हैं कि एक फिनिश गुड्स बनाने में 10 केजी लगना था. जब आपने पांच बनाने में 10 केजी लगाया है तो एक बनाने में कितना लगाया है? 2 केजी. तो आप बोलेंगे 10 से 2 का वेरिएंस जीरो मिलेगा. बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ये है. इसको कंपेयर करना है, इसके लिए क्या होना था स्टैंडर्ड से, न कि बजट को कंपेयर करना है. मतलब वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कि जो हमने काम किया वो काम को करने में मटेरियल कितना लगना था और हमने कितना लगाया, खर्चा कितना लगना था और हमने कितना एक्सपेंडिचर्स किया. डिफरेंस को हम बोल रहे हैं वेरिएंस. स्टैंडर्ड से निकाल रहे हैं, डेटा से निकाल रहे हैं, लेकिन डेटा एक यूनिट का सेट किया जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितना यूनिट्स हमने बनाया उससे, तब हमको मिलता है स्टैंडर्ड. लेकिन अगर टोटल में ऐसे डेटा दिया रहेगा, कुछ बताएगा नहीं, तो अपने क्या मानेंगे कि ये जितना का है उतना का ही वो है. मतलब ये जो दिया हुआ है ये एक्चुअल आउटपुट के लिए ही दिया हुआ है. प्रॉब्लम साइलेंट होने से ये मानना पड़ता है. और अगर वो लोग बोल दिया, मान लो यहां नहीं लिखा, वो लोग बोल दिया कि ये जैसे हम बोला ना 10 केजी का, ये 400 यूनिट्स का है, ठीक है. बोलता है 400 यूनिट आउटपुट बनाने में ये लगेगा, लेकिन इसके लिए वो लोग कुछ बोला नहीं, अब क्या करें? फिर से वही मानना है कि वो भी 400 का ही है. मतलब एक डेटा दिया हुआ है कि आउटपुट इतना होना था, हम लोग क्या मान रहे उतना ही आउटपुट हुआ है. या अगर एक्चुअल आउटपुट दिया हो, बताया नहीं कि ये कितना आउटपुट का है, हम लोग क्या मान रहे ये भी उसी का है. जब तक वो लोग प्रॉपर पूरा डिटेल नहीं देंगे तब तक प्रिजम्पशन, कोई नोट वगैरह नहीं लिखना है कि आउटपुट वही है जो आपका होना था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. और अगर आउटपुट दिया ही नहीं है दोनों जगह, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? आप मानिए एक फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं, एक आउटपुट का बात कर रहे हैं. एक आउटपुट बनाने में खर्चा इतना होना था, इतना हुआ. यानी कि स्टोरी क्या हुआ, शुरू से मटेरियल कॉस्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल और मटेरियल का रेट. अगर वेरिएंस होगा या तो मटेरियल कम बेसी यूज होने से, प्रोडक्शन मैनेजर यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, या रेट कम बेसी लगने से, प्राइस वेरिएंस परचेज मैनेजर. जब प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, प्राइस का डिफरेंस को इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. जब यूसेज वेरिएंस निकालेंगे, क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. और इन दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तो नेट में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा. सम्स करने के टाइम पे अगर क्वेश्चन में डिटेल नहीं है कि आउटपुट कितना है, मत सोचिए, कुछ जरूरत नहीं है आपको. जो दिया हुआ है डिटेल्स दोनों सेम आउटपुट का दिया हुआ है,
और अगर कोई एक आउटपुट दिया भी है तो भी वो दूसरा डिटेल उसी आउटपुट का है। और अगर डिटेल है, जो कि जनरली ऐसा ही होगा, वैसा सम्स कम है, अगर डिटेल है तो आपको कंपेयर क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल विथ एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल विथ एक्चुअल, कि जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया उसके लिए मटेरियल कितना लगना चाहिए, उसके लिए खर्चा कितना लगना चाहिए और कितना लगा। ये दिया हुआ, इससे ही ये निकाल रहे हैं, 50 इसी से निकल रहे हैं, लेकिन ये बजटेड डेटा मान रहे हैं। और अपने को चाहिए स्टैंडर्ड डेटा, वेरियंस इज स्टैंडर्ड और एक्चुअल, और स्टैंडर्ड मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इतना सोचेंगे तो ये दो वेरियंस तो निकल जाएगा। एक बार इतना लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग दे रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरियंसेस। द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, the cost for producing a product can be determined by two basic factors, can be determined by two basic factors. Point number A quantity of material required and point number B rate of material. Niche, so the variance in the material cost can arise due to two factors. Variance in the material cost can arise due to two factors. Point number A due to change in price. That is difference between standard price and actual price. For this, purchase manager will be responsible. For this, purchase manager will be responsible. But to analyze whether the variance is significant or not. But to analyze whether the variance is significant or not, the difference in price is to be multiplied by actual quantity of material consumed. मतलब significant amount कितना है वो लाने के लिए quantity से multiply करना है। Short में वहां लिख देंगे SP minus AP into actual quantity, SP minus AP into actual quantity.
प्राइस का डिफरेंस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से वेरिएंस बन जाएगा। पॉइंट नंबर बी ड्यू टू डिफरेंस इन यूसेज ऑफ मटेरियल, that is actual consumption of material is either more or less than standard consumption. For this, production manager will be responsible. For this, production manager will be responsible. Again to find out total loss or gain in value term. Difference in quantity will be multiplied by standard price. So ho gaya SQ minus AQ into standard price. SQ minus AQ into standard price. For example, standard actual. Material cost 4000 kg, 5 per kg, 20,000. Actual 4500 kg, 5.5 per kg. कितना होएगा ये? 24,750. तो material cost variance, standard cost minus actual cost. 20,000 minus 24,750. 4,750 adverse. Material cost variance 4,750 adverse. इसका दो पार्ट्स हो गया, एक हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस हो गया डिफरेंस इन प्राइस इनटू क्वांटिटी, डिफरेंस इन प्राइस 5 के बदले 5.5 और क्वांटिटी 4500, तो ये हो गया 2250 एडवर्स, 50 पैसा इनटू 4500,
2250 का नुकसान, यूसेज वेरियंस हो गया, क्वांटिटी कितना लगना था कितना लगा, इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी लगना था 4000, लगा 4500, इनटू प्राइस 5 रुपए, तो 500 × 5, 2500 एडवर्स, दोनों मिला के 4750 एडवर्स। हम लोग क्या बात किए कि ये 4000 या 4500 कितना आउटपुट का है दिया नहीं, हम तो नहीं बोला, तो नहीं बोला तो हम दीवान भी कहां लगा रहे हैं। अपने ये मान के चल रहे हैं जितना के लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो आउटपुट के लिए, उतना ही आउटपुट एक्चुअल में भी बना है, तो अपने को ये ब्रेन लगाने का जरूरत नहीं है। और अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर बोला है कि 4000 यूनिट, 4000 केजी इतना आउटपुट का है, 4500 कितना का बता रहा नहीं, मानना पड़ेगा उतना का ही। यानी कि आउटपुट डिटेल्स नॉट गिवन, डोंट थिंक आउटपुट ओनली वन गिवन देन दूसरा भी उतना ही है। अगर दोनों दिया हुआ है तो कहानी चेंज होगा। नीचे नोट, इन द एबव एग्जाम्पल आउटपुट डिटेल्स वे आर नॉट प्रोवाइडेड। So it is assumed that actual output equals to budgeted output. It is assumed that actual output equals to budgeted output. Full stop. If only one detail is given, suppose budgeted output 400 unit. Suppose budgeted output 400 units. Then it is assumed that actual output is also 400 unit. But if specific instructions are given, Like budgeted output is 400 units, and actual output is 500 units. Then the variance calculation will be. बजट है 400, मटेरियल कॉस्ट है 4000 केजी, 5 रुपया करके लिखना है इसको, एक्चुअल है 500 यूनिट्स और मटेरियल लगा है उसमें 4500 केजी, 5.5 रुपया करके 24750 और ये है 20,000। मतलब ये पहला लाइन एक्स्ट्रा दिया गया, ये एक्स्ट्रा है, इसके अलावा तो ऊपर जो था सो ही लिखे हैं, लेकिन इससे पूरा सारा पूरा प्रॉब्लम चेंज हो गया सब कुछ।
कंपैरिजन बजट और एक्चुअल में नहीं कर मैं, कंपैरिजन एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कर मैं। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, 500 के लिए क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल में हुआ है उसके लिए क्या खर्चा लगना चाहिए। तो नीचे वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन, वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एंड एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, एंड एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो ये एक्चुअल कॉस्ट तो दिया है लेकिन स्टैंडर्ड यहां है नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, ये 400 का कॉस्ट तो 500 का कितना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 500, 400 यूनिट का कॉस्ट 20,000 रुपया, हमने 500 बनाया तो उसका कॉस्ट कितना, कितना 25,000। ये क्या लिखे, ये क्या है, ये 5 रुपया और ये दोनों में कोई अंतर है कि नहीं, जो ऊपर वाला 5 है और ये, इसमें कोई अंतर है, लेकिन दोनों ही रेट है, वो रॉ मटेरियल का रेट है, ये एक आउटपुट बनाने में रॉ मटेरियल का रेट है। अगर हम इसको एसपी नाम दे रहे और इसको भी एसपी नाम देगा, कंफ्यूजन अराइज होगा, है तो दोनों प्राइस ही ना, लेकिन ये एक यूनिट रॉ मटेरियल का प्राइस है और ये क्या है, एक यूनिट आउटपुट बनाने में रॉ मटेरियल का प्राइस, तो हम इसको अपना लैंग्वेज में एसपी स्टार बोलते हैं, ये मेरा लैंग्वेज है, आपको नया लैंग्वेज बनाना है बना लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रेट का बात हो रहा है तो रेट दोनों लिखने से कंफ्यूजन अराइज होते हैं। सो व्हेनेवर आई विल से एक आउटपुट का कॉस्ट, देन आई विल यूज द वर्ड एसपी स्टार, और एक यूनिट रॉ मटेरियल का रेट, देन इट इज एसपी, एसपी एसपी स्टार है, रेट ही दोनों, और इनटू ये क्या है, लेकिन एक यू लिख दे क्या इसको, तो फिर 4,000 क्या है, 4,500 क्या है, क्या माने, आप स्टार फिस्टार कुछ भी करिए, बात समझने की है, बिकॉज एग्जाम में स्टार स्टार कुछ भी करिए, क्वांटिटी पहले भी था अभी भी है, लेकिन ये आउटपुट का बात हो रहा है, तो स्टार नहीं लिख के इसको पूरा नाम ही लिख देते हैं, एक्चुअल आउटपुट। बोलेगा इसको पूरा नाम क्यों लिख रहे हैं, इसका बार बार यूज आएगा नहीं है, बहुत जगह आएगा, तुमको बार बार बहुत तकलीफ होगा पूरा पूरा लिखने में, इसलिए हम एसपी स्टार पहले ही बना दिया, एक ही जगह लिखा जाएगा, तो हम एक्चुअल आउटपुट ही लिख दिया। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का ये क्या बन गया, आप बोलेंगे तो फॉर्मूला, हमारे हिसाब से तो नॉर्मल बात है, अगर आप इसमें नहीं भी जाएंगे तो एकदम सुंदर दिख ही रहा है यार, कि 400 बनाने का इतना खर्चा है तो 500 बनाने का कितना। लेकिन एक ये हो गया कि जब 10-12 क्लास पढ़ेंगे इसी चीज को, तो हम अगर ये शब्द यूज करें कि एक्चुअल आउटपुट इंटू एसपी स्टार, आपको 1-to-1 समझ में आना चाहिए, बशर्ते आप नेक्स्ट दिन पढ़ के आए, कि एसपी स्टार मतलब एक आउटपुट बनाने मटेरियल का खर्चा और आउटपुट कितना बना उसका खर्चा। ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरा तरह से निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को। अभी ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल रहे थे, एसक्यू इंटू एसपी, ये एक कैलकुलेशन हो गया, सेम कैलकुलेशन ऊपर अभी करके आया एसक्यू इंटू एसपी, तो एसक्यू इंटू एसपी से भी तो 25,000 आना चाहिए ना, एसक्यू इंटू एसपी ऊपर क्या था, 4,000 इंटू 5,
ऊपर था ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या था ऊपर 4000 × 5, तो यहां 4000 × 5 क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये एस्को का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो 4000 kg जो है वो तो 400 यूनिट बनाने के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है 500। इसको हम लोग एसक्यू क्यों बोल रहे थे, बिकॉज ये गायब था, तो हम बोल रहे थे वहां जितना उतना ही यहां है। लेकिन अब क्या है, ये 4000 एसक्यू नहीं है, ये बीक्यू है, बजटेड क्वांटिटी। एसक्यू मतलब हुआ जितना आपने बनाया उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो अगर 400 बनाने में 4000 लगते हैं तो 500 बनाने में कितना लगेगा, इंटू 5000 × 5। एसक्यू का मतलब बजटेड क्वांटिटी नहीं है, एसक्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जब भी हम एसक्यू बोलेगा और आप बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हर सम गलती होती रहेगा, जब तक पूरा सेंटेंस पूरा नहीं करेंगे सम नहीं राइट होगा। एसक्यू बोलेगा तो आप सब क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जब बोलेंगे तब तो वैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, नहीं तो बार बार 4000 ही लिखेंगे और कुछ समझने का कुछ इसमें है नहीं। एकदम सिंपल बात हो रही है कि 4000 एसक्यू तब होता जब ये और ये 400 होता, लेकिन अगर ये 500 है तो 500 के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसका वेरिएंस निकालना है, आउटपुट तो 500 बना है ना, उसका खर्चा निकालना है। तो एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये एसक्यू इंटू एसपी लिखे, एसक्यू को इतना सब लिख रहे हैं, मान रहे हैं मेरे साथ साथ चल रहे हैं, अभी हम नहीं बोला नहीं लिखना है, रनिंग है। एसक्यू को लिख रहे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एसक्यू मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब क्या हो गया, 4000 kg 400 बनाने के लिए, बनाया हमने 500 तो 500 बनाने के लिए कितना, 5000 kg। एसक्यू 4000 kg नहीं होके 5000 kg है, और एसपी तो शुरू से बात कर रहे हैं 5 रुपया per kg, एसपी स्टार नहीं बोल रहे, एसपी तो क्या बन गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया 5000 × 5, फिर से 25000 आ गया। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि जब दोनों जगह से एक ही आता है तो एक ही बताइए ना, दोनों क्यों बता रहे हैं, मजा हमको भी नहीं आ रहा है, आपको तकलीफ देके हमको क्या लाभ है, आपको तो हमको हंसाना ही है, हम क्यों टेंशन में जाएं। लेकिन बात समझिए कि अगर हम ऐसे लिख भी दे तो यूसेज वेरियंस के लिए एसक्यू चाहिएगा कि नहीं, यूसेज वेरियंस में ऐसे होगा नहीं, यहां तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे लिख के बना लेंगे, लेकिन यूसेज वेरियंस पे तो रॉ मटेरियल ही लिखना होगा ना, रॉ मटेरियल कितना लगना था कितना लगा, तो एसक्यू का जरूरत तो पड़ेगा ही, एक कारण। दूसरा रीजन, अब क्वेश्चन में ये डिटेल है कि ये डिटेल हमको क्या मालूम है, इंटर थोड़ी ना सब तरह से हो जाएगा, जो डिटेल देगा उससे प्रोसीड करना है, तो कोई क्वेश्चन में ऐसा डिटेल दे कोई में वैसे, हम क्या करें, एक चीज गैप कर देते हैं तो दोनों चीज आएगा, तब तो जो जरूरत होगा वो लगाएंगे ना, इसलिए हमको कोई मजा नहीं आ रहा है दोनों बताने में, बहुत पत्थर रख के बताना पड़ रहा है कि एक चीज को भी काम का दो बार बोल रहे हैं, लेकिन दोनों आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज कौन से सम में क्या यूज होगा हमको भी नहीं पता है, बहुत सारा सम, हाफ सेंचुरी जब करेंगे बहुत सारा सम से कौन सा सम में क्या लगेगा दैट इवन आई डोंट नो। बोले कभी ये करते हैं, जो मिलेगा वो करेंगे, और क्या, दोनों रहेगा कुछ भी, जहां फीलिंग आया कर लेंगे, और क्या, कौन मना कर रहे हैं, लेकिन जरूरत दोनों का पड़ेगा इसलिए दोनों बात किए। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये बात, हम मिनिमम 50 सम में 50 बार बोलेगा, देखिएगा, तो उसके बाद भी अगर स्टूडेंट नहीं सुनता है तो क्या करें, एक बार में ही समझने का बात है कि वन टाइम में ही बेसिक बात कर रहे हैं कि कुछ कोई फॉर्मूला नहीं चल रहे, अलग अलग मेथड किया जा रहे जिससे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग तो उनको समझ रहे हैं, अब आप कुछ भी लिखिए उसमें।
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का ये दो तरीका हुआ। एक्चुअल कॉस्ट सब में कितना दिया हुआ है 24, यानी कि वेरिएंस क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 25,000 और एक्चुअल कॉस्ट 24,750, यानी कि 250 फेवरेबल, यानी कि अब की बार कंपनी में तो अच्छा हुआ है, 250 रुपया बचा है, पहले खराब हुआ था बच गया। लेकिन कौन अच्छा किया, किसको इंसेंटिव दें, इसीलिए निकालना तो जरूरी है ब्रेकअप। सम्स में अलग बात है, चलो नंबर मिलेगा, जिंदगी में भी तो जरूरी है, फायदा क्या होगा खाली 250 निकाल कर। कौन इसके लिए इंसेंटिव पाएगा, किसको पकड़े मारे, ये तो देखना होगा ना। तो मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, चेंज इन प्राइस। कोई बोलेगा फॉर्मूला याद नहीं होता है, फॉर्मूला आया कहां से, प्राइस वेरियंस, वेरियंस मीन्स डिफरेंस ऑफ प्राइस, डिफरेंस ऑफ प्राइस, वट एवर यू राइट, एक्चुअल स्टैंडर्ड आपकी मर्जी है, लेकिन एक तरह से लिखने से क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, वैसे ही हाथ चलने लग जाएगा। इनटू क्वांटिटी तो करना ही होगा ना, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं पता कैसे चलेगा। तो ये तो वही है जो पहले था, 5 लगना था, 5.5 लगा, रॉ मटेरियल 4,500 खरीदा गया, ये तो अभी वही चल रहा है, कितना हुआ 2250 एडवर्स, 2250 एडवर्स। यूसेज वेरियंस, यूसेज वेरियंस, यूसेज का वेरियंस, क्वांटिटी का डिफरेंस का वेरियंस। तो क्वांटिटी इतना लगना था, इतना लगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्वांटिफाई करने के लिए कितना रुपया का फायदा लॉस हुआ। रेट स्टैंडर्ड क्यों, बिकॉज बेसी पैसा लगा, ये गड़बड़ी किया, वो थोड़ी ना किया, स्टी वहां स्टैंडर्ड रेट। तो लगना चाहिए 5,000 केजी, लगा कितना 4,500 केजी, 4,000 केजी नहीं, इसीलिए तो 5,000 केजी निकालना सीखे ऊपर, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना 5, सो वेरियंस 2500 फेवरेबल, यानी कि फायदा इनके कारण है, इनके कारण तो नुकसान ही है। प्रोडक्शन मैनेजर अच्छा काम किया, उसको इंसेंटिव बोनस देंगे, इससे पैसा काट के इससे लेकर उसको दे देंगे, अपने घर से थोड़ी ना देंगे, ये लॉस किया इससे काटेंगे उसको देंगे। अब एक एक्सेप्शन का बात हो रहा है, ध्यान देना, हम अभी बोला कि 4,000 केजी मटेरियल लगना चाहिए 5 रुपया करके, लगा है 4,500 5 रुपया करके, ठीक है, सॉरी 5.5 करके। ये जो मटेरियल खरीदना है, खरीदने का प्रोसीजर होता है, कोटेशंस मंगवाइए, मार्केट में कौन कौन सप्लायर्स है उनसे बातचीत करिए, उनके यहाँ जाइए, टेस्टिंग करिए मटेरियल, आएगा तो उसके बाद देखिए कि वो सही क्वालिटी क्वांटिटी का आया है कि नहीं, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर को दीजिए। इट विल टेक सम टाइम, 2 डेज 3 डेज 5 डेज, सम प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। अगर ये प्रोसीजर का समय परचेज मैनेजर को नहीं देंगे, परचेज मैनेजर को बोले भाई तुरंत तुरंत लेके आओ मटेरियल, नहीं तो प्रोडक्शन बंद हो रहा है, देन इन दैट केस बेचारा जो प्रोसीजर से मटेरियल खरीदता है वो प्रोसीजर से वो खरीद नहीं पाएगा। तो अगर दाम बेसी लगेगा तो उसमें उसका गलती है क्या? परचेज मैनेजर को मटेरियल खरीदने के लिए बोला गया है, इफिशियंटली खरीदने के लिए ही रिक्वायर सम टाइम, बट दैट एडिक्वेट टाइम वॉज नॉट गिवन टू परचेज मैनेजर टू परचेज द मटेरियल, ही वॉज आस्ट टू परचेज इमीडिएटली, तुरंत तुरंत जहां मिल जाए बस चोरी करके ले आओ मटेरियल, बिकॉज वी हैव मे बी प्रोडक्शन मैनेजर हैज रिसीव्ड सम स्पेशल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ कस्टमर और व्हाटएवर, अपना गलती के कारण अगला पहले इसको खरीदने बोला नहीं, फिर दिखा इतना में तो काम हो रहा नहीं है, बोला भाई जल्दी से ला। तो मान लो ये 4,500 में 4,300 केजी तो नॉर्मली आया 5.5 रुपए करके, लेकिन 200 केजी इमरजेंसी परचेज था वो 7 रुपए करके आया, दिस इज इमरजेंसी परचेज। मतलब फॉर दिस प्रॉपर टाइम एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने के लिए परचेज मैनेजर को समय नहीं दिया गया। तो अब अगर प्राइस वेरिएंस निकालें अगर, तो 5 के बदले 5.5 कितना पे, 4,300 पे, और 5 के बदले 7 कितना पे, 200 पे। लेकिन क्या परचेज मैनेजर ये बात मान लेगा,
बोलेगा हमको समय दिए थे क्या आप, हमको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए यू हैव नॉट गिवन टाइम, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बोलेगा हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट आएगा तो वो भी यही बोलेगा, इसमें कोई गलत बात वो नहीं बोल रहे, लेकिन उसको बोलेंगे भाई कि तुम जब नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किए थे तब कौन सा तुम 5 रुपये में खरीदे थे क्या, तो ये तो मत बोलो कि 7 लगा, ये बोलो कि 5.5 से बेसी लगा, बिकॉज तुमको जब प्रॉपर टाइम दिया गया, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने का समय दिया गया तो भी तो तुमने 5.5 लगाया ना। तो मान लेते कि 5.5 के बाद वाला वेरियंस तुम्हारा नहीं है, लेकिन वहां तक का वेरियंस तो तुम ही सहोगे, यानी कि ये 5.5 तक तो यही सहेगा, लेकिन इस पे 1.5 रुपये और नुकसान हुआ है, 5.5 के बदले 7 लगा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। दैट इज एन एक्सेप्शन, डिफरेंट केस आई एम सेइंग, उतना कहानी भूमिका बना के बात कर रहे हैं, इतना भूमिका समय बनाएगा तब, ज्यादा जोश में मत आना जाना। आप बोले थे कि अगर 2 तरह का मटेरियल बोलेगा आप सारा ही भूमिका घर से बना लिए, सम में जितनी बात बोली जाती उतना ही करा जाता है, तो अगर सम में बोल रहे कि ये 2 रेट पे खरीदा है, वो कहां बोल रहे कि इमरजेंसी है इतनी, ये सब कुछ बोलने दीजिए उसको, तो आप बोलेगा आप ही बोले थे, हम नहीं बोले ऐसा, हम तो सारा वेरियंस यही लिखने बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है सम के अंदर कि 200 यूनिट खरीदने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया नहीं जा सका, बिकॉज इमीडिएटली परचेज मैनेजर को तुरंत तुरंत खरीदने बोला गया, तब आप बोलेंगे कि 7 रुपये तक का वेरियंस यहां नहीं निकालेंगे, बैलेंस प्रोडक्शन मैनेजर में मिल जाएगा प्राइस का डिफरेंस भी, मतलब 200 यूनिट पे 5.5 से 7, 200 यूनिट पे 5.5 से 7, ये डिफरेंस भी प्रोडक्शन मैनेजर में आएगा, और साथ में जो नॉर्मली आ रहा था क्या क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट 5 रुपया प्लस नॉर्मल, दिस इज अब नॉर्मल फॉर हिज, माने फॉर हिज उसके कारण हुआ ये, और प्लस जो नॉर्मली वेरियंस उसमें आ रहा था, ऐसा इंफॉर्मेशन दे तब, नहीं देने से चाहे कितना भी प्रकार का कोई भी रेट हो सबके लिए यही दायित्व है, दे हैव टू स्टेट दिस, तब वो लोग बोलेंगे तब हम लोग ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, लिखते फिर से नोट, नोट इमरजेंसी परचेजेस नोट इमरजेंसी परचेजेस Suppose in the above example, the total actual quantity 4500, kg. The total actual quantity 4500 kg was purchased at different rates. $4,300 at the rate of 5.5. And 200 kg at the rate of 7. 4300 kg at the rate of 5.5 and 200 kg at the rate of 7. The rate for 200 kg is extremely high. The rate for 200 kg is very high because proper procedure was not followed to purchase 200 kg. Because production manager asked purchase manager
टू परचेज 200 kg इमीडिएटली, टू परचेज 200 kg इमीडिएटली, टू परचेज 200 kg इमीडिएटली। फुल स्टॉप। इन दिस केस, इन दिस केस परचेज मैनेजर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इन दिस केस परचेज मैनेजर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इन दिस केस परचेज मैनेजर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इन दिस केस परचेज मैनेजर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल डिविएशन ऑन 200 kg, फॉर फुल डिविएशन ऑन 200 kg, फॉर फुल डिविएशन ऑन 200 kg, ही विल बी लाइबल, ही विल बी लाइबल ऑन 200 kg ऑल्सो, ऑन 200 kg ऑल्सो, ऑन 200 kg ऑल्सो अप टिल 5.5 per kg, अप टिल 5.5 per kg। सो मेटेरियल प्राइस वेरियंस इक्वल्स टू, मेटेरियल प्राइस वेरियंस इक्वल्स टू 5 minus 5.5 into 4300 और प्लस 5 minus 5.5 into 200। अलग अलग हम जानबूझ के लिखा, हम तो इंटू 4500 लिख भी सकते हैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कराने के लिए कि ये 200 पे इवन दो 7 रुपया लगा है फिर भी परचेज मैनेजर 5.5 तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उतना के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, वो नॉर्मल को खरीद लिया था तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको सहना ही पड़ेगा ना, बोलेगा ये तो सारा ही हम नहीं सहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपने कौन सा 5.5 यहाँ नहीं लगाया था, जब आपको समय दिए तो भी आप लगाए तो उसमें भी तो आप लगाते ही 5.5 ही लगता आपका, तो वेरियंस उसका कितना हुआ जितना पहले था 2250 एडवर्स, और यूसेज वेरियंस, यूसेज वेरियंस इक्वल्स टू नॉर्मल, नॉर्मल हम लिख रहा नहीं है क्यों, बिकॉज ऊपर अलग दो दो हम तरह से निकाला था यूसेज वेरियंस, एक हम निकाला था 5000 minus 4500 और एक क्या निकाला है 4000 minus 4500, तो अब किसको ले प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नॉर्मल मतलब जो भी है प्लस प्लस 5.5 minus 7 into 200, 5.5 से 7 रुपया जो लगा है वो इसी के कारण लगा है, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर समय नहीं दिया, क्यों पहले से नहीं बताया था, तो 1.5 रुपया का गलती इवन दो परचेज करने के कारण है लेकिन है गलती इसी का, 5.5 से 7 रुपया 200 यूनिट पे जो लगा वो यूसेज वेरियंस में जुड़ गया। तो इफ दिस टाइप ऑफ डिटेल दे विल बी गिविंग तब ये करना है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको ये भी वहीं डालना है, ये उनको बताना होगा अच्छे से कि इमरजेंसी परचेज है वगैरह वगैरह। इसलिए आखिरी बात है इसमें नोट सुनेंगे, पहले हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं कि 4000 kg लगना चाहिए 5 रुपया करके, लगा क्या 4500 5.5 करके, लेकिन खरीदा गया 5000 kg 5.5 करके, ये परचेज क्वांटिटी और ये कंजम्पशन क्वांटिटी, मतलब परचेज क्वांटिटी कंजम्पशन क्वांटिटी से बेसी है, थोड़ा स्टॉक पर्पस के लिए स्टॉक्स तो रखते हैं ना मटेरियल का, तो आपने 4500 kg कंज्यूम कर ली और 500 स्टॉक में रखा हुआ है, 5000 kg खरीदा गया था। अब आता है कि जब प्राइस वेरियंस निकाले मटेरियल प्राइस वेरियंस तो अपने प्राइस का डिफरेंस तो ले लें ठीक है, लेकिन यहां एक्चुअल में 4500 कंजम्पशन ले कि 5000 परचेज ले, थोड़ा आगे चलते हैं एक बार क्या लेंगे खुद में उस समझ में आ जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। हम एक बार यहां SQ 4000 ही मान रहे, मतलब हम क्या मान रहे
कि आउटपुट सेम था जो हम बताया नहीं था ना कि 400-500 है वैसा अलग अलग नहीं बताया हम. तो एस क्यू 4000 × 5 माइनस ए क्यू क्या ले 4500 × 5000. बिकॉज हम वेरियंस क्या चीज का निकाल रहे हैं, जो हमने बनाया उसको बनाने में खर्चा क्या लगना चाहिए क्या लगा. तो 500 केजी जो एक्स्ट्रा खरीदे वो तो लगा नहीं है अभी, तो यहां पर क्या आएगा 5.5 वेरियंस आ जाएगा वही 4750 एडवर्स ऊपर जो है वो आ गया. अब इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे तो अगर मटेरियल यूसेज वेरियंस में जाएंगे तो यूसेज वेरियंस वही 4000 लगना था 4500 लगा इंटू रेट 5 रुपये, यानी कि वेरियंस क्या हो गया 2500 एडवर्स. प्राइस वेरियंस में आए मटेरियल प्राइस वेरियंस लिखे 5 रुपया माइनस 5.5 रुपया इंटू अगर 4500 करेंगे तब तो ये 2250 आएगा, लेकिन अगर यह 5000 करेंगे तो ये 2250 नहीं आएगा, यही लिखने से ही आएगा. 5000 लिखने से ही अलग आएगा, अलग लिखने से दोनों मिला के ये नहीं आएगा. मतलब अगर परचेज और कंजम्पशन अलग अलग दिया है तब पहले तो स्टोरी चालू होते हैं. सम्स करते हैं तो 100 में 90 सम में देता ही नहीं अलग अलग, टेंशन ही ओवर. अगर अलग दे तब बात हो रही है, कि अगर अलग दे तो बात ये हो रही है कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वाला 5000 यहां लिखे तो ये दोनों जोड़कर ये नहीं आने वाला है, और अगर कंजम्पशन लिखे तो ये दोनों जोड़कर यहां आ जाएगा. बिकॉज जो हम लिखा था फॉर्मूला एसक्यू इंटू एपी वो कट जाएगा कब, जब यहां एक्यू यहां एक्यू सेम है. यहां 5000 लिखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा जो मैथमेटिक्स अभी इक्वेशन बना के लिखा था. अब करे क्या, ऐसे लॉजिकली दोनों ही सही है, बराबर लाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली बोथ आर करेक्ट. बिकॉज अगर 5000 केजी खरीदा गया चाहे यूज कितना भी हो कभी भी होगा, खरीद तो लिए ना, तो अगर जितना खरीदा हुआ क्वांटिटी उसके ऊपर वेरियंस निकालना है तो 5000 केजी होना चाहिए. मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई महीना में 5000 केजी खरीदा गया, यूज चाहे 4500 हुआ, हम वेरियंस निकाल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई महीना में जितना खरीदे सारा का सारा प्राइस वेरियंस निकाल ली, या हम वेरियंस निकाल रहे जुलाई महीना में जितना प्रोडक्शन हुआ उसके ऊपर वेरियंस. तो जुलाई महीना में जितना प्रोडक्शन हुआ उसके ऊपर वेरियंस 5000 के ऊपर नहीं निकलेगा, बिकॉज जुलाई महीना में प्रोडक्शन जो उसके ऊपर रॉ मटेरियल लगना कितना चाहिए 4500. जो 500 का वेरियंस वो कब निकलेगा, जब उससे रिलेटेड आउटपुट बना लेंगे. मतलब इफ वी गो वेरियंस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट देन इट शुड बी 4500, एंड इफ वी गो वेरियंस कैलकुलेशन फॉर द पीरियड फॉर द मंथ देन इन दैट केस इट शुड बी 5000. और ऐसे अगर बोले तो जब मैनेजर लोग परचेज मैनेजर को बुलाएंगे वो लोग तो इसको पकड़ेंगे 5000 के लिए ही, बिकॉज यूज हुआ नहीं हुआ वो इनके लिए, यूज नहीं हुआ तो जब होगा तब वेरियंस निकालेंगे ना, लेकिन इनको तो खरीदने का दायित्व दिया गया था, खरीद तो लिए ही है. तो अभी तक जब भी कभी सम आता है ना और अगर अलग अलग रहता है वो लोग खुद ही बोल देते हैं इसको कैसे निकाली. अगर वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरियंस ऑन द बेसिस ऑफ परचेज क्वांटिटी, आप 5000 से मल्टीप्लाई करिएगा. अगर वो लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेट प्राइस वेरियंस ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन क्वांटिटी, 4500 से मल्टीप्लाई करिएगा. लेकिन वो लोग अलग अलग दिए और कुछ बोला भी नहीं, कर सकते हैं दोनों, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट. अपने दिमाग को समझाना है कि हम अगर 5000 लेते हैं ये दोनों मिला के ये नहीं आएगा, ये समझ लेना. ज्यादा मिलाने का वहां कारस्थानी लगाएंगे, मिलेगा ही नहीं. और अगर 4500 केजी लेंगे तो दोनों मिला के टैली होगा, लेकिन एग्जाम में ये दिखाना पड़ता है ये दोनों मिला के ही आया, एग्जाम में ये दिखाना जरूरी है. यू कैन नॉट से दिस प्लस दिस नॉट इक्वल टू दिस, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों जोड़कर ये बराबर होना चाहिए. तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो इधर ऐसे ये जो लिखे हैं 4500 लिखे मत लिखे, अपने आप बराबर आए गए. और अगर आपको 5000 लेना ही मजा आ रहा है तो ये वाला कैलकुलेट मत करिए, जोड़ के लिख दीजिएगा, कंबाइंड बोथ टू एंड देन ऐड, ऐड करके लिखना है. मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरियंस अगर आप प्राइस वेरियंस परचेज क्वांटिटी से निकालते हैं, कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, जोड़ के लिखना है. और अगर आप मटेरियल प्राइस वेरियंस कंजम्पशन क्वांटिटी से निकालते हैं देन इन दैट केस कैलकुलेशन दिखाएंगे. एडवाइजेबल है कैलकुलेशन दिखाने वाला सिस्टम में जाना चाहिए,
कंजम्पशन क्वांटिटी लेना है, नेट में हम ये बोल रहे हैं। अगर परचेज और कंजम्पशन क्वांटिटी अलग है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वही करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये बहुत एक्सट्रीम बात कम कर रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम बोल रहे हैं हम लोग यहां कंजम्पशन क्वांटिटी लेंगे और साथ में नीचे नोट लिख देंगे कि प्राइस वेरियंस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज क्वांटिटी। अगर परचेज क्वांटिटी से निकालने बोल दिया, बोला निकालो, हम लोग परचेज क्वांटिटी से निकाले, ये वेरियंस का कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे। ये वेरियंस का आंसर क्या होगा? इन दोनों का समेशन, बिकॉज दिखाना तो आपको बराबर ही, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो जब परचेज क्वांटिटी से निकालेंगे, मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस प्लस यूसेज। तो इतना स्टोरी तब अराइज होगा जब सारा बात एप्लीकेबल है, मतलब परचेज कंजम्पशन अलग, प्रॉब्लम साइलेंट है, तब आपके ऊपर ऑप्शन आ रहा है। लेकिन एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम आता है बोल देता है वो लोग कि आपको करना क्या है, जो वो लोग बोलेंगे आप वही करिएगा, कोई अजम्पशन प्रिजम्पशन नहीं चाहिए। ऐसे दोनों सही है, हम बोला पीरियड वाइज 5000 पे निकलना चाहिए और प्रोडक्शन वाइज 4500 पे निकलना चाहिए, बिकॉज जितना बनाए उसी का वेरियंस निकाल रहे हैं, पूरा महीना का वेरियंस निकाल रहे हैं, चाहे यूज हुआ हो नहीं हुआ हो, देन इन दैट केस इट शुड बी 5000। ठीक है, देखते हैं नोट। परचेज एंड कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नोट, परचेज एंड कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर डिफरेंट, परचेज एंड कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर डिफरेंट, परचेज एंड कंजम्पशन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, बजट एक्चुअल, मटेरियल कॉस्ट 4000 केजी, 5 रुपया पर केजी, 4500 केजी, 5.5 पर केजी। वापस इसलिए लिख रहा है जिससे कि हम ये दिखा रहे हैं कि हम 400-500 नहीं लिखा है, हम नहीं लिखा मतलब दोनों में सेम है, कितना हमको पता नहीं है। अगर हम यहां लिखेगा आउटपुट तब मेरे को स्टैंडर्ड निकालना होगा। और अलग से एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड इक्वल्स टू 5000 केजी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड इक्वल्स टू 5000 केजी, कंजम्पशन 4500 है लेकिन परचेज 5000 केजी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000 इंटू 5, एक्चुअल कॉस्ट 4500 इंटू 5.5, मतलब 4750 एडवर्स, 4750 एडवर्स। दो पार्ट्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो प्राइस 5 के बदले 5.5, कंज्यूम्ड 4500, कंज्यूम्ड 4500, वेरियंस 2250 एडवर्स, यूसेज क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू प्राइस। यहां तो कंजम्पशन ही होगा ऑलवेज, यहां परचेज हो ही नहीं सकते, 4000 लगना था, 4500 लगा, इनटू 5, 2500 एडवर्स। ऑल्टरनेटिवली
ऑल्टरनेटिवली मेटेरियल प्राइस वेरियंस इक्वल्स टू, मेटेरियल प्राइस वेरियंस इक्वल्स टू प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, तो हो गया 5 के बदले 5.5 इनटू 5000 केजी, मतलब 2500 एडवर्स, 2500 एडवर्स परचेज क्वांटिटी लेने से 250 बढ़ गया 500 केजी पे, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, हो गया 2500 एडवर्स और प्लस वो भी तो 2500 ही है, 2500 एडवर्स दोनों मिला के 5000 एडवर्स। एडवाइजर पहले वाला ही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आप परचेज क्वांटिटी से ही निकालिए तो आप कॉस्ट वेरिएंस को 4750 मत निकालिएगा, जोड़ के यही लिखेंगे, बिकॉज ऑलवेज प्राइस प्लस यूसेज इक्वल्स टू कॉस्ट वेरिएंस दिखाना है एग्जाम में, दोनों मिला के बराबर हुआ ये दिखाना जरूरी है एग्जाम में। ये जो 500 यूनिट है, देख दे रहे बस 2 मिनट, ये जो 500 यूनिट है बच गया वो नेक्स्ट महीना यूज होगा, नेक्स्ट महीना के लिए स्टैंडर्ड रेट 5 रुपया ही रहेगा कि चेंज होगा, हम लोग ये 5 के बदले जो 5.5 रेट निकाले हैं, मान लो परचेज मैनेजर आके बहुत सारा जस्टिफिकेशन दिया कि मैं मानता हूं मैंने खराब किया है, लेकिन मेरे पास ये सब लॉजिक आप देखिए, मार्केट में ये मटेरियल मिल रहा नहीं है, हम लोग ये सब फोरकास्ट नहीं कर पाए थे वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात बोला, सब मान लिए, तो फिर आगे स्टैंडर्ड 5.5 रखे कि 5 रखे, नहीं नहीं वही बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये जो 500 यूनिट बच गया ये आगे नेक्स्ट बार यूज होगा, तो अब जब नेक्स्ट बार यूज होगा तो नेक्स्ट बार 500 यूनिट पे क्या वेरिएंस आएगा उसके लिए डिस्कशन चल रहे है कि 500 का स्टैंडर्ड रेट 5 ही माना जाए कि जो एक्चुअल में 5.5 लगा था वो माना जाए, लेकिन अभी हम लोग बात की स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कंसिडरिंग फ्यूचर सिनेरियो, तो जब परचेज मैनेजर आके बहुत सारा लॉजिक दिया कि अब वेरिएंस निकाल लीजिए, हम नहीं बोल रहे, बोला निकाल लीजिए, निकाल लिए अब खुशी हो लीजिए, लेकिन हमारी बात तो सुन लीजिए कि जो 5 के बदले 5.50 लगा उसमें मेरी गलती नहीं है, कोई भी चीज मार्केट में अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सप्लाई नहीं है, मान लो इंपोर्टेड मटेरियल आ रही है, लॉजिक हो नहीं सकता है क्या, हो तो सकता ही है ना, तो वो अगला सब लॉजिक दिया, तो हम लोग उसका लॉजिक के बाद में ये डिसाइड कर लिए कि भाई नेक्स्ट महीना से अब स्टैंडर्ड क्या रख लेंगे, 5.5 रख लेंगे नेक्स्ट महीना से, नेक्स्ट महीना से स्टैंडर्ड 5 के बदले रिवाइज होकर क्या हो गया 5.5, अब नेक्स्ट महीना जब वेरिएंस निकालेंगे और भी क्वांटिटी खरीदा जाएगा, स्टैंडर्ड 5.5 माइनस एक्चुअल होगा, इसके बारे में वो लोग कुछ बता रहा नहीं है, मतलब सम्स में इसके बारे में साइलेंट है कि ये 500 का रेट क्या है, तो हम लोग तो यही मानेंगे ना कि इसका स्टैंडर्ड रेट क्या है 5.5, माने स्टैंडर्ड डिटरमाइन कैसे किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्चुअल, मान लीजिए अगर वो लोग इसका स्टैंडर्ड अलग से देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द माने कोई प्रॉब्लम मिलेगा ही नहीं जिसमें ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड रेट अलग से देगा, वो लोग खाली क्वेश्चन में लिखेगा स्टैंडर्ड रेट दिस, तो ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ, एक्चुअल भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक लास्ट महीना क्या दाम में खरीदे थे, जो इस बार खरीदे उसका बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट जो सब में अभी दिया हो मान लिए, और इसका एक्चुअल रेट क्या मान रहे हैं, वो भी तो कुछ नहीं तो 0 थोड़ी ना मान लेंगे, उसका रेट वही मान लिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों, जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो तो सबका स्टैंडर्ड है, और ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल भी क्या मान लिए जो स्टैंडर्ड है वही, तो इसके ऊपर वेरियंस अगर नेक्स्ट महीना निकालेंगे क्या आएगा, प्राइस वेरियंस 0, मतलब ओ हाँ ठीक है, यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल रेट नहीं बताता है, जो कि नहीं बताएगा,
अपने ये मान के चलते हैं उसका स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट सेम है, तो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर प्राइस वेरियंस क्या होगा? जीरो। बोलेगा आप ये क्यों बोल रहे हैं, हम अभी ऊपर वाला कैलकुलेशन करने बोला है, तो इसमें तो कंजम्पशन लेना है, तो कंजम्पशन पहले पुराना वाला फीफो मेथड से कंजम्पशन निकालना है, तो पुराना वाला 500 कंज्यूम हुआ, बैलेंस नया कंज्यूम हुआ, पुराना वाला 500 पे वेरियंस जीरो है, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड रेट 5.5, एक्चुअल रेट 5.5, जीरो। खाली वेरियंस किस पे निकलेगा? जो कंजम्पशन आउट ऑफ करंट टाइम परचेजेस है, जो कंजम्पशन इस बार खरीदा हुआ में से हुआ है, खाली उस पे प्राइस वेरियंस निकलेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन और रेट एक्चुअल ऑफ ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन, विच इज ऑलवेज देयर, नहीं देगा कभी, हम लोग मान रहे हैं उसका एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट है, तो ओपनिंग स्टॉक वाला क्वांटिटी पे प्राइस वेरियंस का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, दैट बिकम्स जीरो, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट क्या हो गया? सेम। और अगर स्टॉक वगैरह दिया ही नहीं तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो आखिरी बात लिखिए, फिर ब्रेक है। नोट, स्टॉक पोजीशन, नोट स्टॉक पोजीशन, इफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द प्रॉब्लम बट एक्चुअल रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बट एक्चुअल रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन, बट एक्चुअल रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन, बट एक्चुअल रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन, it is assumed that actual rate of opening stock, it is assumed that actual rate of opening stock, it is assumed that actual rate of opening stock equals to standard rate of opening stock, actual rate of opening stock equals to standard rate of opening stock. So material price variance on opening stock quantity will be nil. So material price variance on opening stock quantity will be nil. So material price variance on opening stock quantity will be nil. Consumption should be calculated on FIFO basis. Consumption should be calculated on FIFO basis. मतलब material price और usage variance normal निकालना है, उसमें तीन बात हुआ। एक बात हुआ output वगैरह नहीं दिया, बराबर है। Standard वगैरह निकालना नहीं है, जो budget है वो standard है। आउटपुट दिया तो आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करना होगा, तब आप वेरिएंस निकालेंगे। दूसरा, अगर बाय चांस इमरजेंसी परचेजेस के बारे में बोल दिया तो सारा प्राइस वेरिएंस में नहीं डाल देंगे, जो इमरजेंसी के कारण एक्स्ट्रा पैसा लगा वो यूसेज में चला जाएगा। और तीसरा, अगर स्टॉक पोजिशन, परचेज, कंजम्पशन, ये सब स्टॉक अलग है, ये बिकॉज परचेज कंजम्पशन अलग मतलब स्टॉक है, तो आपको प्राइस वेरियंस कंजम्पशन क्वांटिटी से निकालना है, unless and until वो लोग बोले purchase quantity यूज करिए, और opening stock का रेट नहीं देने से standard rate actual rate same है, तो opening stock के ऊपर price variance calculation नहीं होगा। break।